गांव था। और बड़े सुन ली तेरी आवाज, बता रहा हूं मैं, रुक जा, अभी एक बार एडजस्टमेंट कर लूं पूरे। हाँ, क्या राउट था बता। सर एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ डिविजन टू प्रोड्यूस 128 सेल, और एक दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ सेल विल डिवाइड 128 सेल। सॉरी, डिफरेंट सेम। अच्छा, तो जैसे जो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डिविजन प्रोड्यूस 128 सेल्स, तो उसका आंसर तेरे हिसाब से क्या होना चाहिए? हाउ मेनी नंबर ऑफ डिविजन सर हाँ, नंबर ऑफ डिविजन का आंसर 127 आंसर तेरे हिसाब से क्या होना चाहिए? 127 127 127 होना चाहिए ना? क्या 127 होना चाहिए ना? बेटा मैं कुछ पूछ रहा हूँ, 127 होना चाहिए ना? हाँ, सर। तो 127 ही होगा, क्या दिक्कत है उसमें? नंबर ऑफ डिवीजन 127 होगी। फिर अगला अगला क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चन में था, नंबर ऑफ डिविजन्स के साथ। नंबर ऑफ डिवीजन, तो दूसरा कोई भी पार्ट समझ में नहीं आया मुझे। नंबर की जगह सिर्फ टाइम्स लिखो। सेल विल डिवाइड टू प्रोड्यूस 128। नंबर ऑफ सेल्स लिखा हुआ है, सेल विल डिवाइड टू प्रोड्यूस बेटा। नंबर ऑफ सेल्स तो पता है क्या होने चाहिए? नंबर ऑफ सेल्स तो 2 की पावर में होने चाहिए ना। 128 की 2 की पावर कितनी आएगी? 2 का कितना बार 128 होता है? हाँ, सेवन तो फिर इसका आंसर 7 आना चाहिए। मतलब नंबर ऑफ सेल्स साइकिल्स पूछा ना, कितनी टाइप, कितने कितने वो जनरेशन लगेंगी। ऑफ टाइम्स टाइम्स नंबर ऑफ टाइम्स टाइम वर्ड डिवीजन है। होगी, नंबर ऑफ टाइम्स। हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स अ सेल विल डिवाइड टू प्रोड्यूस 128 में टाइम वर्ड है। नंबर ऑफ टाइम्स अ सेल विल डिवाइड, हाँ इट विल डिवाइड 7 टाइम्स, टाइम्स में 7 आ जाएगा। अच्छा सर, गॉट इट ठीक है सर, समझ गया सर। देख सर? डाउट सर, हाँ जी बेटा, और बेटा बेटा
नंबर ऑफ माइटोट डिवीजन और माइटोसिस में क्या डिफरेंस है? नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन और नंबर ऑफ माइटोसिस। नंबर ऑफ माइटोटिक डिविजन्स एंड नंबर ऑफ माइटोसिस सेम थिंग है, सेम थिंग है। सर इसका एक क्वेश्चन था कि कितने सेल्स कितने टाइम माइटोसिस होगा जिससे 256 सेल बनेंगे। सर इसका आंसर 8 था। कितने टाइम माइटोसिस होगा? नहीं, फाइंड नंबर ऑफ माइटोसिस टू प्रोड्यूस 256 सेल्स। फाइंड नंबर ऑफ माइटोसिस टू प्रोड्यूस 256 सेल्स। यस 255 वुड बी द आंसर। सर कितना? 255 कुछ डिफरेंस नहीं है इनमें? Nope. सर तो 7 जो आपने बताया वो किस केस में होगा वो समझ नहीं आया मुझे। हाँ 7 उसने बोला कि कितनी बार हाउ मेनी टाइम्स डिवीजन बुलाकर, हाउ मेनी टाइम्स डिवीजन का मतलब है कि कितने, अब जैसे कि अगर मान ले ग्लास पड़ा हुआ है ना, उसमें दो सेल पड़े हैं, कितनी बार डिवीजन हो जाए ना, बैक्टीरिया है दो, एक सेल था, अब कितनी बार डिवाइड करना चाहिए, अब एक डिवीजन लगता है 30 मिनट, तो वैसे एक बार क्या तो दो हो गए, दूसरी बार डिवाइड किया तो 4 हो गए, कितनी बार, वो मतलब हुआ। ओके सर। लेकिन लेकिन नंबर ऑफ माइटोसिस अगर काउंट करेगा तो हर सेल की अपनी अपनी माइटोसिस हो रही है ना। यस सर। गॉट इट। सर इसीलिए मैं बताता हूँ, इसीलिए जब आपको क्वेश्चन दिया जाता है ना, तो ये नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ टाइम, इससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए जब क्वेश्चन दिया जाता है ना बेसिकली, तो टाइम के आधार पे दिया जाता है ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। तो मोस्टली टाइम के आधार पे क्वेश्चन बना ही इस वजह से है कि तुम्हें इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। गॉट इट। तो उतना परेशान मत हो, तुम्हारे नीट में जब क्वेश्चन आएगा ना उस, तो साफ साफ सब तुम्हें समझ में आ जाएगा तुम्हें क्या बताना है। तुम थोड़े से भी समझदार होगे तो वहां पे ऐसे बेवकूफ नहीं बनाते। ये तो क्वेश्चन बनाने वाले जो कहीं के क्या होते हैं, थोड़ी आधी नॉलेज रखी, पूरी नॉलेज रखी, पूरा सोचा नहीं समझा नहीं, उठा के बना दिया क्वेश्चन। ठीक है, तो ठीक है, हो जाता है कभी कभी, ठीक है ना, क्योंकि हर कोई क्वेश्चन बना नहीं रहा और जो बना रहे ठीक है, हो जाता है ना, क्योंकि जो भैया होते हैं ना क्या कहते हैं जो, और जो पब्लिकेशन हाउस वगैरह होते हैं, ये उठा लेते हैं टीचर्स जो मतलब कि सस्ते में इनको क्वेश्चन बना बना के देते हैं, या वो टीचर्स क्या करते हैं जल्दबाजी में बनाने के चक्कर में उठाई कोई सी भी किताब और जहां से नए नए क्वेश्चन मिले उठा के दे दिए। ठीक है ना, तो इसलिए वो थोड़ा ऐसे क्वेश्चंस की लैंग्वेज ऐसी हो जाती है। लेकिन जब आपका नीट का पेपर बनेगा तो बटा वैसी बात है, जो बेहतरीन लोग हैं ठीक है ना, बेहतरीन टीम है वो बनाएगी। हालांकि कभी कभी आसान बना देते तो 720 में 720 आ जाता है। ठीक है, यस सर। लेकिन वो बेहतरीन टीम बनाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं नीट का। और अगर बाय चांस पहले भी बताया, बाय चांस अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि जो इसका आंसर दो हो सकते हैं या तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है उसमें, तो हमेशा तुम उस पे केस करके यू कैन ऑलवेज गेट 4 मार्क्स फ्री। ठीक है, तो आपके साथ नाइंसाफी नहीं होगी इन शॉर्ट नीट के अंदर, बस इतना ध्यान रखो, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। एनीबॉडी एल्स? यस सर। हाँ बेटा क्या डाउट है? बार बॉडी इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग। सर बार बॉडी क्या होता है? बेटा जो बार बार नजर आती है ना उसे हम बार बॉडी बोलते हैं। सर मतलब? फिर मजाक कर रहा है, बता दो। एक्चुअली जो एक्स क्रोमोसोम होता है ना, एक्स क्रोमोसोम, एक बात बताओ कि जो फीमेल्स होते हैं उनके पास कितने एक्स क्रोमोसोम होते हैं? सर दो। दो होते हैं, बहुत ही बढ़िया। और मेल्स के पास एक। अच्छा, एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम का साइज बराबर है? सर नो। अच्छा, वाई क्रोमोसोम एक्चुअली किसी काम का क्रोमोसोम नहीं है, उस पर एकदम ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट जीन्स में नहीं है, सारी फालतू जीन्स है ना वो वाई क्रोमोसोम पे है। ठीक है ना, एक ही इंपॉर्टेंट जीन है उसके ऊपर टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, ठीक है ना, जो मेल होने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, बस टेस्टोस्टेरोन जो इनिशियली प्रोड्यूस करने की जीन है वही है बस एक। बाकी सारी जीन्स का बेसिकली क्या है, कानों पे बाल होने के लिए जीन है ना, या जो अदर फीचर्स हैं है ना, कुछ एक दो ऐसी तो बहुत सारी जीन्स उसके ऊपर नहीं है। ठीक है ना, तो मेन जो क्रोमोजोम है वो एक्स क्रोमोजोम है, मेल के पास एक है और फीमेल के पास दो है।
तो अब कॉन्सेप्ट क्या है कि बैलेंसिंग के लिए कहीं ना कहीं पे, मैनेजमेंट के लिए कहीं ना कहीं पे हर सेल के अंदर, फीमेल्स के अंदर भी सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम फंक्शनल होता है, एक एक्स क्रोमोसोम नॉन फंक्शनल होता है। ये वो कहते हैं दो एक्स है लेकिन उसमें एक ही फंक्शनल होता है, एक प्रॉपरली फंक्शनल नहीं होता है, ठीक है, या थोड़ा सा सप्रेस रहता है। तो कभी कभार ये जो क्रोमोसोम जो सप्रेस है, नॉन फंक्शनल है, ये जाके न्यूक्लियस से जाके ऐसे बाइंड कर जाता है, वहां जाके जुड़ जाता है और एक डार्क स्ट्रक्चर की तरह नजर आता है। एंड उसको ही बार वाज़ द साइंटिस्ट जिन्होंने ऑब्जर्व किया था, तो उसको हम बार बॉडी बोल देते हैं। तो बार बॉडी इज एक्चुअली एक्स क्रोमोसोम व्हिच इज लाइक काइंड ऑफ अटैच्ड द न्यूक्लियस और समथिंग व्हिच इज नॉट द पार्ट ऑफ द मेन न्यूक्लियर मटेरियल, ऐसा कुछ है द बार बॉडी। एक्चुअली बार इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट जिसने ऑब्जर्व किया, ठीक है। ओके सर, एनीबडी एल्स? बाकी आपको थोड़ा ये मेरे ख्याल जेनेटिक्स के अंदर थोड़ा आता है, क्लास 12th में वहां पे आ जाएगा। किसी और को कुछ पूछना है हम कि हम आगे बात करें? चलिए, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एकदम नया चैप्टर। नया चैप्टर है क्या सर एकदम? हाँ बेटा बोल। ये कॉल के सीन ड्रग क्या होता है? क्या कॉल के सीन ड्रग? बेटा तुम, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तुम मुझे तो स्पेलिंग बोल, यहाँ लिख लिख के भेज। सर COLCHICIN-E। कॉलकिसिन? यस हाँ सर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। ये सुन लीजिए, कॉलकिसिन देखिए, कॉलकिसिन एक्चुअली एक केमिकल है, ठीक है। ये केमिकल क्या करता है, ये इंटरप्ट करता है माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन, ठीक है। जो माइक्रोट्यूबुल का फॉर्मेशन है ना, ठीक है, उसको ये इंटरप्ट करेगा, ठीक है ना। तो क्योंकि ये माइक्रोट्यूबुल का फॉर्मेशन इंटरप्ट करता है, तो इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम बराबर बराबर नहीं बढ़ पाते, मतलब स्पिंडल प्रॉपरली नहीं बनते, क्रोमोसोम बराबर बराबर नहीं बढ़ते। जब सेल डिवाइड करता है तो एक सेल तो ले जाता है सारे क्रोमोसोम और एक सेल के पास कोई क्रोमोसोम नहीं आता। तो जिसके पास कोई क्रोमोसोम नहीं आएगा वो सेल किसी काम का नहीं है। जिसके पास सारे क्रोमोसोम पहुंच गए, वो गलती से 2n की जगह बेटा कैसा हो जाएगा, 4n। फोर एन। 2n की जगह हो जाएगा 4n या 4c तो हो जाएगा। तो मतलब अगली बार जो क्रोमोसोम बनाएगा उसके पास ज्यादा क्रोमोसोम बनेंगे, क्योंकि है ना, क्लियर। तो इसकी वजह से क्या होता है कि पॉलीप्लॉइडी आया। देखिए आ रही है पॉलीप्लॉइडी, और एक्चुअली अगर इसको आप सही से बोलेंगे ना, तो एक्चुअली कॉलकिसिन एक केमिकल है जो पॉलीप्लॉइडी कॉज करता है। बस ये याद रखो कि कॉलकिसिन एक केमिकल है जो पॉलीप्लॉइडी कॉज करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, पॉलीप्लॉइडी चाहते हैं क्यों, मैं बताता हूँ। अगर आप ह्यूमन, ह्यूमंस में क्या होता है ना, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? हाँ बेटा, तो ह्यूमंस में क्या होता है ना, ह्यूमंस के अंदर अगर पॉलीप्लॉइडी हो गई, मतलब आपका अगर 46 क्रोमोसोम हो गए, तो आप मर जाए, आप यू विल नॉट बी अलाइव, यू विल बी लाइक डेड। आप डेवलप ही नहीं करोगे, मतलब वो एग डेवलप ही नहीं करता जिसके पास 44 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है ना। तो 44 क्रोमोसोम पे ह्यूमंस तो मतलब कि अलाइव ही नहीं रहते, ठीक, क्लियर। अच्छा, ये तो बात हुई ह्यूमंस की या किसी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की। प्लांट्स में क्या है, प्लांट्स में पॉलीप्लॉइडी अगर आ जाती है ना, तो नई वैरायटी आ जाती है। मतलब प्लांट्स ना, उन्हें फर्क नहीं पड़ता क्रोमोसोम नंबर से इतना ज्यादा, ठीक है, क्योंकि सिंपलर ऑर्गेनिजम्स हैं तो उन्हें इतना उतना फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए प्लांट्स के अंदर क्या सीन है, प्लांट्स के अंदर अगर पॉलीप्लॉइडी अगर आ भी जाएगी तो उनके अंदर वेराइटी आ जाएगी। क्या जाएगी? वेराइटी आ जाएगी। और तो नई वेराइटी प्रोड्यूस करने के लिए कई बार फार्मर्स कॉलकिसिन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कोई डाउट? और इसका लेना देना आप याद रखें किसके साथ है, माइक्रोट्यूब्यूल के साथ।
नॉट द पॉइंट, इतना ही ध्यान रखना। हाँ बेटा, किसी और को जो डाउट क्वेश्चन हो गए आगे? सर फिर इसमें जो एना फेज वाला होता है वो तो कुछ होएगा ही नहीं बेटा। एक्चुअली कॉन्सेप्ट मैं तो जो बताता हूँ, सीन क्या चल रहा है ना, कि सारा क्रोमैटिन मटेरियल क्रोमोसोम बना, वो अच्छे से पकड़े नहीं गए, तो जब डिवीजन हुई ना तो एक ही तरफ जाने की संभावना रहती है। अब कभी कभार देखो क्या होता है, कई बार तो ऐसा भी होता है कि कुछ इधर चले गए, कुछ इधर चले गए, इधर कम गए, इधर चले गए, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द केस में क्या होता है, हम क्या देखते हैं कि सारे एक ही तरफ हो गए और एक तरफ ऐसी स्ट्रक्चर बन के निकल गया, जिसके अंदर सारे चले गए, ज्यादा चले गए, उसके अंदर पॉलीप्लॉइडी आ गई ना, या पांच छह फालतू चले गए, तो भी उससे क्या होगा, नई वैरायटी आ जाएगी प्लांट में। तो प्लांट्स के लिए बेसिकली है, एनिमल्स के लिए इसका कोई लेना नहीं है। ओके सर। हाँ तो स्पिंडल ही बनते ना, स्पिंडल बनते हैं किस लिए, स्पिंडल का काम ही बराबर बराबर बांटना, पकड़ पकड़ के। भाई स्पिंडल तो अरेंज कर रहा है पकड़ पकड़ के, कि तू बेटा यहाँ जा, तू वहां जा, तू यहाँ जा, तू वहां जा, तुम इधर जाओ, तुम उधर जाओ, यही काम है स्पिंडल का। स्पिंडल बनेंगे तो क्या होगा, जो रैंडम सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें, जितने बटने चाहिए किसी पास ज्यादा किसी पास कम, और प्लांट में जहां थोड़े ज्यादा आ गए वहां पे क्या होगा, नई वेरायटी बन सकती है, बन सकती है। अभी मैंने बोला कि जरूरी नहीं है कि हमेशा हर एक टाइप में नई वेरायटी बने, लेकिन इतने अब पूरे के पूरे क्रॉप में छिड़काव कर देते हैं कॉलकिसिन का, तो इतने प्लांट्स होते हैं, इतने प्लांट्स होते हैं, है ना, कितने होते हैं, मतलब आप एक खेत लगा लो छोटा सा, कितने प्लांट्स है, बहुत है, ठीक है ना। अब कहीं कहीं जगह तो ये काम कर जाएगा ना, तो जहां जहां काम कर जाएगा, जहां जहां सही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बैठ गया, वहां पे हुआ क्या, क्या कहते हैं, कहते हैं उसको नई वेराइटी आ गई, गॉट इट। बायोलॉजी में सब कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चलता है बेटा, ये ध्यान रखना, बायोलॉजी में सब कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से चलता है, सब कुछ प्रोबेबिलिटी में चलता है। जब तो दवाई खाते हो तो थोड़े ना दवाई का एक एक केमिकल बोलेगा मैं जा रहा हूँ जहां पर मुझे बाइंड करना है वहां जाके बाइंड करूंगा, कभी ऐसा नहीं होगा। लाखों करोड़ केमिकल मॉलिक्यूल आपको दिए जाते हैं कि उनमें से कुछ हजार या कुछ लाख जाके जहां बाइंड करना वहां बाइंड कर जाए, ठीक है ना। तो ये यही हिसाब किताब होता है बॉडी के, बॉडी के अंदर हमेशा ऐसे होता है, ठीक है ना। तो आपको जो भी काम कराना होता है आप उसका हमेशा ज्यादा अमाउंट देते हो, ठीक है ना, बायोलॉजी में, ताकि थोड़ा तो काम करे, ठीक है, और थोड़ा हमेशा बाय चांस काम कर जाता है। नेचुरल सिलेक्शन ही ऐसे होता है। अब जैसे बैक्टीरिया थे, ठीक है ना, आपने बैक्टीरिया को पेनिसिलिन दिया या कोई एंटीबायोटिक दिया बैक्टीरिया मारने के लिए, बैक्टीरिया मारने के लिए पेनिसिलिन दिया, ठीक है। अब करोड़ों बैक्टीरिया थे, सारे मर गए, ठीक है ना, कुछ बाय चांस कुछ बच गए, क्योंकि वो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट थे, बाय चांस कुछ बच गए, वो पेनिसिलिन क्या थे, रेजिस्टेंट थे, ठीक है। अब जो कुछ बच गए पेनिसिलिन रेजिस्टेंट वाले, अब उनसे नई प्रोजेनी आ गई, अब सारी प्रोजेनी कैसी है, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट। अब पेनिसिलिन दे रहे हो वो मर नहीं रहे, ठीक है, तो अब मर नहीं रहे, तो अब ये अब आपको दो दूसरी नई नई एंटीबायोटिक बनानी पड़ेगी, तो इसलिए मार्केट में नई एंटीबायोटिक आती रहती है, नए नए बैक्टीरिया आते रहते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था, इधर चोर तेज होता रहता है, इधर पुलिस वाले तेज होते रहते हैं, दैट गोज ऑन, ये चलता रहेगा, ठीक है। तो बायोलॉजी में हमेशा चीजें कैसे होती है, ऑलवेज इट इज लाइक फ्रॉम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, हम हमेशा प्रोबेबिलिटी में काम करते हैं, ठीक है, नथिंग इज फिक्स। बॉडी के अंदर जाके कोई नहीं देख रहा क्या चल रहा है, कैमरे नहीं लगेगी या क्या कर रहा, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेम्बर कि चाहे प्लांट को कुछ कर रहे हो, चाहे एनिमल को कुछ कर रहे हो, हम बस अपनी सोच से, इमेजिनेशन से और अपने आइडिया से चीजें करते हैं, ठीक है। गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। ओके, ये जो एक्स्ट्रा बातें मैं आपको बताता हूँ ना बायोलॉजी के बारे में, ये आपको लिए बहुत जरूरी है, ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट से भी जरूरी है, क्यों, बिकॉज दे दीज टॉप्स विल हेल्प यू बिल्ड अ वेरी गुड कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ऑफ बायोलॉजी। और एक बार कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आ गई ना बायोलॉजी की, फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा क्या डाइजेशन, क्या रेस्पिरेशन, क्या बायोटेक्नोलॉजी। एक बार आपने बॉडी फंक्शनिंग की तरह सोचना शुरू कर दिया ना, उस तरीके से आपकी सोच उस डायरेक्शन में आपने पकड़ ली, फिर तो आपको जो मर्जी पढ़ा दो आपके दिमाग में बैठ ही जाएगा। तो सब्जेक्ट समझने की बात होती है, ठीक है ना, सेम विद एवरी सब्जेक्ट, केमिस्ट्री क्या, फिजिक्स क्या, जब आपने एक बार उसका लय पकड़ लिया ना कि क्या चलता है सब्जेक्ट के अंदर, कहानी में क्या चल रहा है, तो आपको सिर्फ सब समझ में आएगा। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ जी, आप रह गए थे इसिका, इसिका कुछ कहा नहीं। हाँ इसिका सर, जैसे माइटोटिक डिवीजन में टेलो फेज में सेल ऑर्गेनल्स रीअपियर करती हैं और उसके बाद फिर डिवाइड भी करती हैं, तो मियोसिस में भी होता है वो?
रियपेयरिंग ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स? नहीं एक्चुअली बेटा माइटोसिस मियोसिस में जैसे ये सब कहाँ हो रहा है, सेल ऑर्गेनेल जो डिवाइड कर रहे हैं बेटा ये कौन से फेज में कर रहे हैं मुझे सब बता दे फटाफट। सर ऐसे तो टीलोफेज में करते हैं और उसके बाद सेल ऑर्गेनेल डिवाइड डिवाइड टीलोफेज पे करते हैं कहाँ, अलग से ट्यूशन लगवा रखी है जूलॉजी की? सर नहीं, मैं मतलब तुम मैं मियोसिस के लिए पूछ रही थी ना, नहीं वैसे नहीं तो मैं इन इंटरफेस में करेंगे जनरल, ना। मैं इन जनरल पूछ रहा हूँ कि सेल ऑर्गेनेल्स कब डिवाइड करते हैं, सर इंटरफेस में इंटरफेस में करते हैं ना, कौन से वाले फेज में करते हैं इंटरफेस में? सर मतलब थोड़ा जीवन जीव टू में काम चलता रहेगा, मतलब इंटरफेस में इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब मियोसिस हाँ में सर, जी इंटरफेस टू होता है में बेटा, चलता है ना, तो मियोसिस में होता नहीं है, इंटरकाइनेसिस ही होता है। मियोसिस में इंटरकाइनेसिस ही होता है। अच्छा ये बता मियोसिस वन के पहले क्या होता है? सर तो सेकंड डिवीजन से पहले नहीं होता ना इंटरफेस। मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि क्या मियोसिस के अंदर इंटरफेस होता है? होता है, फर्स्ट मियोसिस होता से है ना, पहले मियोसिस होता वन के पहले होता है ना, तो मियोसिस वन के अंदर जहां इंटरफेस है वहां सेल ऑर्गेनेल डिवाइड करेंगे, ये मैंने बताया था। ठीक है ना, जब मियोसिस वन हो जाएगा, सर। जब मियोसिस टू आएगा, तो फिर बीच वाला जो फेज है वो तो बस एक छोटा सा एक छोटा सा इंटरवल काइंड का फेज है, वो तो इंटरकाइनेसिस है, लेकिन उसमें भी एक सेल ऑर्गेनेल डिवाइड करेगा। वो कौन सा बताया था इशिका? सेंट्रोसोम है हाँ सेंट्रोसोम, क्योंकि उसने स्पिंडल बनाने है, उसके मेरा डिविजन नहीं होना, ये बताया था ना कि इकलौता एक ही सेल ऑर्गेनेल डिवाइड करता है यस इंटरकाइनेसिस में, दैट इज सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम बोल सकते हैं बेटर के लिए, और उसके अंदर आ जाएगा प्रीवियस वाले के अंदर कि इंटरफेस। तो इंटरफेस है तो बस सेल ऑर्गेनेल्स डिवाइड डिवाइड करते, तो माइ मियोसिस टू के टाइम नहीं करते, मियोसिस वन के टाइम करते हैं। गॉट द आंसर? सर, पर फिर अच्छा सेल अगर ऑर्गेनेल्स का नंबर कम नहीं हो जाएगा फाइनल सेल्स में? अच्छा एक बात बता, एस फेज होता है मियोसिस टू से पहले, नो जी1 जी2 नो साइज छोटा होने से तुझे दिक्कत नहीं है ना, डीएनए कम होने से तुझे दिक्कत नहीं है, क्रोमोसोम नंबर कम हो गया मियोसिस वन में उससे दिक्कत नहीं है, सेल ऑर्गेनेल कम होने से तुझे दिक्कत क्या है बता दे मुझे। ओके सर। क्या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी? लॉजिकली सोचो, आपने जब पहले तो क्रोमोसोम नंबर कम कर दिया, 46 से 23 कर दिया, तब तो प्रॉब्लम हुई नहीं, ठीक है ना, फिर मियोसिस टू के बाद आपने साइज भी आधा कर दिया, ठीक है, तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा साइज सेल का आधा क्यों हुआ है? ठीक है, साइज सेल का आधा हुआ है, जो सिंपल सी बात है, साइज आधा हुआ मतलब साइटोप्लाज्म से लॉस हुआ होगा ना, न्यूक्लियस थोड़ा छोटा हो जाएगा, न्यूक्लियस उतना ही रहेगा, तो पहले आधा आधा हो चुका है, मतलब पहले उसके आधा जेनेटिक मटेरियल लिप कम हो चुका है, तो न्यूक्लियस थोड़ा छोटा हो गए, लेकिन ज्यादा इफेक्ट किसमें आएगा? साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में है क्या? वो डिसाइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेल है, तो साइटोप्लाज्म को कम होगा तो सेल ऑर्गेनेल कम हो जाएंगे, सेल ऑर्गेनेल विल बी लेस, ठीक है ना। अभी सेल ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म है क्या? वो साइटोप्लाज्म में क्या है? वो पानी वाला सिस्टम, मतलब साइटोप्लाज्म में, या मैं साइटोसोल बोलूं क्योंकि मतलब कि मैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को इंक्लूड ना करूं, उसके बाहर सारा मटेरियल जो है वो सारा क्या है साइटोप्लाज्म, उसमें क्या आते हैं? सेल ऑर्गेनेल बेसिकली आते हैं, सेल ऑर्गेनेल जो है वो कम हो जाएंगे, बड़ा फिर से बात है, कम होने से कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे पास, तो बस होने चाहिए सारे काम करने के लिए, तो दैट इज नॉट अ बेसिक ओके पॉइंट। सर, अच्छा और सुनिश्चित का मैं तुझे आपको प्रीवियस का सवाल पूछ लिया था, तू पूरा जवाब भी सुनकर, अब स्पर्म बनता है या एग बनता है ये बताया था ना तुमको मैंने, ठीक है, जब स्पर्म बनेगा तो साइटोप्लाज्म कम हो जाए, ठीक है, नो डाउट, वेरी गुड, लेकिन तुम्हें वो एग बनने वाला डिवीजन याद है जो मैंने पढ़ाया था? एग में क्या हो रही थी? अनइक्वल डिवीजन, यस है ना, अनइक्वल डिवीजन हो रही थी, सर, तो एक सेल बन रहा था एकदम छोटा सा पोलर बॉडी जो किसी काम का नहीं था, और सारा साइटोप्लाज्म किसने रिटेन कर लिया था? दूसरे वाले सेल ने रिटेन कर लिया था। क्या लगता है उसने क्यों रिटेन किया? क्यों किया? क्योंकि स्पर्म जो है वो साइटोप्लाज्म खो के आ रहा है, उसके पास साइटोप्लाज्म कम होने वाला है, तो उसके हिस्से का भी साइटोप्लाज्म आगे एग ने रखा हुआ है, ठीक है, गॉट द पॉइंट? यस सर, क्लियर। हाँ क्लियर हो गया ना, तो ये पॉइंट है, और भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर मैं एक बार मैंने नया सर नया
शुरू कर दिया ना, फिर मैं नई कहानी बात करूंगा। और तुमको मैं एक सर बात फिर उसका बेटा मेरे बारे में बताऊंगा। प्रियांशु किसी का जवाब देने से पहले एक बार सुन लो मेरे मेरी बात। ये B01 बैच में मैंने शुरू किया था और ये कंटिन्यू रहेगा हर बैच के लिए, और आप सभी के लिए कान खोल के सुन लीजिए। आपको मैं एक छोटी सी वार्निंग दे रहा हूँ, ठीक है ना। कल का आप बोलोगे सर ये अचानक से ऐसा हो गया। आज से आपकी जब भी क्लासेस होगी, मैं किसी भी क्लास में किसी को भी कह सकता हूँ कि आप अपना ये माइक ऑन कीजिए और अपना कैमरा ऑन कीजिए, और मैं आपके नोट्स या आपसे बात कर सकता हूँ कि आप देख सकता हूँ कि आप क्या काम कर रहे हैं क्या काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपका काम अब तक अप टू डेट नहीं रहा है, या आपके नोट्स आपने पूरे नहीं बनाए हैं, ठीक है, या आपके नोट ठीक से नहीं बने हुए हैं, तो उनको पूरा कर लीजिए। क्योंकि मैं कभी भी रैंडमली किसी से भी कैमरा ऑन करा के पूछ लूंगा कि भाई मुझे मुझे दिखा दो अपने नोट्स कॉपी, और अगर आप फेल हो गए वो मुझे नोट्स कॉपी दिखाने में या अपना जो भी काम दिया है वो बताने में, या ठीक है ना, तो फिर ठीक है। तो मैंने पहले ही कह रखा है कि या तो मेरी बात आपसे होगी या फिर आपके पेरेंट्स से होगी, ठीक है। तो ये बात मैं आपको अभी क्लियरली एक एक बात बता रहा हूँ, फिर कल कल को मुझसे बोलेंगे सर आपने हमें बताया नहीं, हम रेडी नहीं थे। वैसे रेडी होने का मतलब नहीं बनता, ऑनलाइन क्लास में आपको एकदम आपका कैमरा एंड माइक दोनों प्रॉपर फंक्शनिंग साथ में रखा होना चाहिए, एकदम प्रॉपर काम होना चाहिए, ताकि टीचर आपसे जब भी चाहे फेस टू फेस बात कर सके और आपके क्या काम कर रहे हो वो देख सके, होना तो ये चाहिए, ठीक है ना। लेकिन कोई बात नहीं, आपके अगर अभी कोई इशू है कैमरा या माइक के अंदर, कोई ऐसे रिजोल्व कर लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में। हाँ जी जी बताइए क्या बोल रहे हैं। सर बैक्टीरिया में डीएनए रेप्लिकेशन फिजन के थ्रू ही होता है। डीएनए रेप्लिकेशन कहां से आ गया, पहले तुम बता डीएनए रेप्लिकेशन से तो क्या समझता है। सर डीएनए का डबल होना सेल पर डीएनए का, डीएनए का डबल होना समझता है, ठीक है। और बैक्टीरिया के फिजन से तो क्या समझता है। कि एक सेल पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में स्प्लिट हो गया। तो वो तो डिवीजन है, रेप्लिकेशन यस सर। रेप्लिकेशन है, डिवीजन डिवीजन है, मतलब सर ये ओनली वन क्वेश्चन, सेल। सर क्या मैंने क्वेश्चन एस है। डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया टेक प्लेस, इसका आंसर था प्रायर टू फिजन। हाँ ये सही है भाई। एक बात हुआ, ये बहुत ही बढ़िया सोचा। एक बात बता कि यूकैरियोटिक डीएनए के, यूकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है फेस में और एस फेज कब होता है प्रायर टू सर इंटरफेस का पार्ट है वो, मियोसिस से पहले, माइटोसिस माइटोसिस से पहले भी तो होगा, से पहले। यस सर। हाँ दोनों में होगा, दोनों में होगा ना। हाँ तो क्या दोनों बोलोगे, में। कह रहे से प्रायर प्रायर टू डिवीजन। यस सर प्रायर टू डिवीजन। डीएनए फिर डीएनए रेप्लिकेशन यानी डीएनए रेप्लिकेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस प्रायर टू डिवीजन, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो। डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा यस तो फिर आदत डीएनए दोगे क्या दूसरे सेल को। डीएनए रेप्लिकेशन नहीं करोगे तो जब सेल डिवाइड करोगे तो क्या आधा डीएनए दोगे क्या दूसरे सेल को, नहीं नो सर, फुल दोगे डीएनए ना। तो जाएगा। नॉर्मली डीएनए रेप्लिकेशन होता ही है। अच्छा जहां नहीं होता वहां पे आधा डीएनए जाता भी है, जैसे मियोसिस टू जब होता है कोई एस्पेस नहीं होता तो हो यस जाता है ना सर। डीएनए आधा आधा, है ना, गॉट इट। तो यस इसलिए ये तो एक जनरलाइज्ड रूल है, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, कि डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस प्रायर टू डिवीजन। अब बैक्टीरिया का वो डिवीजन फिजन है तो भाई प्रायर टू फिजन बोल दो, ओके गॉट इट। और मैं सर। बता वैसे रहा हूं, इनमें होता है ना ये सब एस फेस वगैरह सब होता है ना उनमें। हाँ, सब सब एस फेज G1 G2 ये जितने फेजेस हैं, ठीक है ना। देखो मैं आपको बताता हूँ, हम कुछ यू कैरियोट कुछ अलग नहीं है, प्रो कैरियोट यू कैरियोट दे आर सेम, दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर सेम। बस मैंने पहले पहले बताया कि प्रो कैरियोट के अंदर कंपार्टमेंटाइजेशन है, ठीक है ना। यू कैरियोट्स में कंपार्टमेंटाइजेशन नहीं है, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी एवरीथिंग। अच्छा उसमें न्यूक्लियस भी नहीं है, ठीक है ना। अब क्योंकि उसमें यस न्यूक्लियस नहीं है तो उसका जो डीएनए डबल हो रहा है ना उसका तरीका भी अलग होता है, ठीक है ना। मतलब उसका जो उसको एक कैरियोकाइनेसिस नहीं होता, सिर्फ साइटोकाइनेसिस होता है, ये फर्क है बैक्टीरिया में। तो बाकी सारी चीजें आप बोल सकते हो रहता है G1 G2 एस फेज वो सब रहेगा, ठीक सर। है ना। वो सारे इवेंट्स हो गए तो सब ट्रू है। चलिए बस, और उनका थोड़ा साइकिल थोड़ा छोटा होता है,
जल्दी हो जाता है बैक्टीरिया डिवाइड, 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, डिपेंडिंग ऑन बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया। एनीबडी एल्स, एनी अदर डाउट? यस सर। सर जो हम बोलते हैं कि प्रोफेज में ऑर्गेनेल्स डिसअपीयर हो जाते हैं फिर टेलोफेज में रीअपीयर, वो तो जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी अपैरेटस वगैरह के लिए होता है ना, या फिर जो फिजन वाले माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होता है उनके लिए भी वो भी डिसअपीयर होता है? बेटा मेम्ब्रेन सारी डिसअपीयर हो जाएगी, मेम्ब्रेन हैज टू डिसअपीयर, तो जो ईआर की मेम्ब्रेन है वो भी डिसअपीयर हो जाएगी, जो जितनी मेम्ब्रेन अंदर मेम्ब्रेन है वो सारी डिसअपीयर होगी, ठीक है ना? तो दीज ऑल मेम्ब्रेन्स डिसअपीयर, तो हमें कोई भी केमिकल स्ट्रक्चर नजर बेटा नहीं आएगा डिविजन टाइम पे, क्योंकि सारी मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाएंगी। सर फिर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो तो फिजन से जाता है ना दो डॉटर सेल्स में, तो अगर वो प्रोफेज के टाइम पे डिसअपीयर ही हो रहा है, फिर फिजन मतलब वो डिवाइड हो गया पहले प्रोफेज से पहले, उसके बाद फिर वो डिसअपीयर हो जाएगा, उसके बाद रीअपीयर होएगा? क्या प्रॉब्लम है? ओके सर। वी डोंट डोंट सी एनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ठीक है ना? तो सारा कंटेंट, क्योंकि ना कम, क्योंकि पता है क्या, वो मटेरियल से मेम्ब्रेन रहेगी ना तो जगह घेरेगी, ठीक है? मेटेरियल तो ऐसे ऐसे दिखा गया पूरा, जगह मिल गई थोड़ी डिविजन के प्रॉपर, दैट काइंड ऑफ थिंग हैपेंस, ठीक है? एनीबडी एल्स, एनी अदर डाउट? बाय द वे, वैसे मैं खुमी को खुशी आप मुझे डाउट पूछ रहे हैं, इसका मतलब आप पढ़ रहे हैं, इसलिए आप, इसका मतलब आपको सेट डिवीजन पढ़ने में मजा आ रहा है, एंड यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एंजॉय स्टडिंग सेट डिवीजन, क्योंकि डाउट्स ऐसे माइंड में तभी आते हैं जब आप एंजॉय करते हो एक किसी टॉपिक को पढ़ना, एंड आई एम हैप्पी ऑन दिस कि यू आर एंजॉयिंग स्टडिंग सेट डिवीजन। चलिए आगे बात करते हैं। आज हम नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है नया यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, वो यूनिट है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या है? डाइजेशन, वही जो आप करते हो, बेसिक काम, सांस लेना, रेस्पिरेशन, खाना खाना, डाइजेशन, एक्सक्रीशन और सर्कुलेशन, ब्लड का घूमना, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, और क्या आता है, और हाँ एक और चैप्टर आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये फिजियोलॉजी है बॉडी की। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो क्लास 12th में डाल रखा है, थोड़ा सिलेबस मैनेज करने के लिए, ठीक है? तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम क्लास 12th में पढ़ेंगे, लेकिन बाकी जो फिजियोलॉजी वाले पार्ट्स हैं, ठीक है ना, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन, टिल नर्वस सिस्टम, हमारे इस टॉपिक के अंदर, ठीक है? ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं डाइजेशन, डाइजेशन के साथ, ठीक है? विल स्टार्टिंग विद द डाइजेशन। अब डाइजेशन की बात करने से पहले या करते हुए भी जो भी है, ठीक है, मैं आप लोगों से, सभी लोगों से, एवरी स्टूडेंट इन द क्लास, चाहे वो किसी भी बैच का हो या कोई भी हो, मैं आप लोगों से एक जनरल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आप सब में से कोई भी आंसर कर सकता है, ठीक है? दिस फॉर एवरीबॉडी, ओके ओके। तो जैसे क्योंकि इससे पहले 301 वाले स्टूडेंट को लग रहा होगा कि सब लोग सेल सेल के क्वेश्चन पूछे, सेल साइकिल के पूछ रहे हैं, सेल साइकिल पढ़ा नहीं है, तो उनको थोड़ा एलियन जैसा फील हो रहा होगा, तो कोई बात नहीं, आपको जब सेल साइकिल पढ़ाया जाएगा तो आई सपोज आपको इन लोगों से, 801 वालों से जो है बेटर सन में आ जाएगा सेल साइकिल, ठीक है? क्यों आएगा बेटर सन में, उसकी ये नहीं कि आप ज्यादा स्मार्ट हो, सन में आएगा तो हमें, ठीक है, मतलब इसलिए आपको थोड़ा बेटर सन में आ जाएगा क्योंकि हम थोड़ा और भी चैप्टर यहाँ पे एक आध साथ में कर चुके होंगे, तो उससे थोड़ा और आपको एक, जैसे जैसे स्टूडेंट पुराना हो जाता है, ठीक है, तो उसको चीजें ज्यादा अच्छे समझ में आने लगती है, ठीक है? तो खैर, तो हाँ, तो अभी मैं आपसे सब लोगों से जनरलाइज क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो मुझे एक जनरलाइज आंसर चाहिए, कोई भी दे सकता है, कि व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन, सिंपल सा सवाल, आप डाइजेशन से क्या समझते हो और क्या जानते हो, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। सर बड़े बड़े को का छोटे, एक पर्सन एट अ टाइम, सानवी पहले बोल रही थी, तो पहले सानवी से सुन लेते हैं, फिर करुणा से सुनेंगे, फिर प्रियांशु से, ये ऑर्डर में बोलना शुरू किया था स्टूडेंट ने, तो पहले सानवी बोल रही थी क्या? यस सर। हाँ सानवी कंटिन्यू, फिर हम करुणा से बात करेंगे, फिर उसके बाद तीसरा कौन था उससे बात करेंगे, प्रियांशु से। हाँ सानवी
सेल डाइजेशन फूड का फिजिकल और केमिकल ब्रेकडाउन है जिससे कि वो एब्जॉर्बेबल एब्जॉर्ब हाँ एब्जॉर्ब हो सके, मतलब ब्लड में वो ऐसे सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाए, जैसे सिंपलर सब्सटेंसेस लाइक जैसे जो प्रोटीन्स है वो कॉम्प्लेक्स है तो वो अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन हो जाएंगे, फिर वो एब्जॉर्ब हो पाएंगे ब्लड में, अच्छा शुगर्स शुगर्स मोनोसैकराइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, ओके एंड लिपिड्स न्यूक्लिक लिपिड्स फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, और न्यूक्लिक एसिड्स न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है। एनीबॉडी एल्स प्रिया नगला करुणा बोल रही थी कुछ। हाँ जी करुणा जी सर, ब्रेकडाउन ऑफ बिग मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड देन अब्सॉर्ब बाय द बॉडी इज इट इज नोन एज डाइजेशन। ठीक है। प्रियांशु सर, कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल सब्सटेंस का स्मॉलर सिंपलर सब्सटेंस बनाना, ब्रेक डाउन होना। इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स और इनसॉल्युबल दोनों किस चीज में इनसॉल्युबल मतलब इनसॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी में तो समझता नहीं हूँ। जैसे ऑयल है तेल को तेल में मिलाओ मिल जाएगा सॉल्युबल है, लेकिन तेल को पानी में मिलाओ तो इनसॉल्युबल है। व्हाट यू मीन बाय सॉल्युबल एंड यस इनसॉल्युबल? सो इनसॉल्युबल इन व्हाट? प्रॉब्लम हो गई ना, इसलिए उस वाले वर्ड को ऑमिट कर दिया। ठीक है सॉल्युबल इनसॉल्युबल की बात नहीं करेंगे। ठीक है तो ठीक है तो सिंपल बोल देते हैं। दोबारा बताओ क्या कह रहे थे। हाँ प्रियांशु रिपीट द डेफिनेशन हाँ अगेन सर इनसॉल्युबल। सर हाँ सर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक होना। ओके ठीक है। कितना सिंपल? जो हम अब्सॉर्ब हो सके बॉडी से। यस जो एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है एनीबॉडी एल्स कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हो किसी और के पास? एनीबॉडी एल्स हैविंग सम अदर इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन? क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट सीखना इंपॉर्टेंट है, बाकी क्या किताब के अंदर लिखा हुआ है पढ़ के समझ में आ जाता है वो कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। ओवरऑल दिमाग खुलना चाहिए, दिमाग में कॉन्सेप्ट जाना चाहिए। ठीक है तो मैं बताऊंगा, मैं बात करूंगा डायरेक्शन में पूरी, लेकिन आप लोगों से मैं सुनना चाह रहा हूँ कि आप क्या क्या समझते हो। हाँ जी किसी और के पास कोई और इन्फॉर्मेशन डायजेशन के बाद? कभी किसी टीचर ने कुछ कहा हो या किसी ने कुछ कहा हो, कुछ इंटरेस्टिंग सा किसी डाइजेशन के बारे में सुना हो या किसी को कुछ और मालूम हो तो जरा मुझे बताओ, वरना फिर आगे बढ़े जरा हम। यस एनीबडी? चलिए बाकियों के पास कोई और जवाब नहीं है तो मुझे बस इतना बताओ सबसे पहले कि डाइजेशन तो हम कर रहे हैं। ठीक है फूड को ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है बहुत ही बढ़िया है। क्या सारे ऑर्गेनिजम्स डाइजेशन करते हैं? डू ऑल ऑर्गेनिज्म डू डाइजेशन? एनिमल किंगडम नो समझ पड़ा सर। भैया? कौन सा ऑर्गेनिज्म डाइजेशन नहीं करता सानवी? सर जैसे टेप फॉर्म है उसके पास तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं है, वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब करता है होस्ट की बॉडी से। यस बहुत ही बढ़िया बात कर रहे मैं कि टेप फॉर्म जो है वो डाइजेशन नाम की चीज कर नहीं रहा है क्योंकि उसका होस्ट कर रहा है, कोई एक ही करेगा। ठीक है ना होस्ट ने कर दिया तो उसने किया कराए पे के कराए को यूज कर लिया। बहुत ही बढ़िया तो टेप फॉर्म डज नॉट रिक्वायर डाइजेशन। तो सर सारे पैरासाइट्स हो गए ना। यस अब प्रियांशु ने एकदम 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 टॉप मोस्ट बढ़िया बात करी, बहुत ही फर्स्ट क्लास एकदम एक लाइन में बोल दिया कि सर जो भी पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म होंगे उनको डाइजेशन की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे वो एक्टोपैरासाइट्स हैं एंडोपैरासाइट्स हैं। एक्टोपैरासाइट्स भी क्या रखते हैं भाई? अभी आपने डाइजेस्ट प्रोडक्ट्स के एब्जॉर्प्शन की बात करी तो एब्जॉर्ब होने के बाद चीजें जाती कहाँ पे? है एब्जॉर्ब होने के बाद चीजें कहाँ जाती हैं? सर ब्लड में ब्लड में जाती है भाई। एब्जॉर्ब होगा चीजें कहाँ जाएंगी? ब्लड में जाएंगी। तो जो आपके एक्टोपैरासाइट्स है मान लो कि साइक्लोस्टोम्स है वो भी एक्टोपैरासाइट्स है, या लीच हो कोई एक्टोपैरासाइट है, तो ये जो एक्टोपैरासाइट्स है सीधा ब्लड ले रहे हैं और सारा डाइजेस्टिव मटेरियल कहाँ जा रहा है? ब्लड में जा रहा है। तो अगेन ये सारा का सारा डाइजेस्टिव मटेरियल सारे के तभी तो कह रहे हैं ना कि उसने हमारा मेरा खून चूस लिया,
है ना, बोलते हैं ना तो मेरा खून चूस लिया, यानी आपसे सारी एनर्जी डिराइव कर गया। पुरानी मूवी क्या दिखाते थे, चुड़ैल या ड्रैग, ड्रैकुला, ब्रैकुला क्या करते थे, खून पीते थे दूसरों का, है ना, ऐसे कट लगाया खून पी गए। और खून को काफी न्यूट्रिशंस न्यूट्रिशंस माना गया है, मैं खुद ब्लड को बहुत न्यूट्रिशंस मानता हूँ, इसका मतलब ये नहीं आप पियेंगे, बट ठीक है, बट ब्लड इज वेरी न्यूट्रिशियस। क्योंकि ब्लड है क्या, ब्लड में सारी चीजें एब्जॉर्ब हो रही है, ग्लूकोज है, आयंस है, एंटीबॉडीज है, बहुत सारे, मतलब आपके बॉडी में जो जितना निचोड़ है ना, जो भी अच्छी सारी चीजें हैं वो ब्लड में आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो कोई अगर ब्लड ले रहा है तो वो अल्टीमेटली न्यूट्रिशन ले रहा है आपकी बॉडी से, ब्लड ले रहा है, मच्छर खून चूस रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके जितने पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, वो पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, वो उनको डाइजेशन की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, तो एक तो यहाँ पे ना मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है ना। तो जो आपने जो पैरासाइट का बताया उसे बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें आप दूसरे का डाइजेस्टिव मटेरियल, चाहे ब्लड से या जैसे मर्जी, चाहे इंटेस्टाइन में बैठ के जहां से मर्जी आप डेराइव करते हैं। क्लियर, गॉट द पॉइंट? अच्छा, और भी कोई मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? देखो हमारा, हाँ देखो एक मिनट जाओ, हमारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको बोलते हैं होलोजॉइक, याद रखेगा ये, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन वी यूजेस होलोजॉइक, HOLOZOIC। मैं इसके बारे में थोड़ा सा लिख देता हूँ, हालांकि मैंने पहले ही बताया होगा, हमारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन तीन तरीके के हो गए। एक होता है होलोजॉइक, एक आपने बताया पैरासिटिक। देखो होलोजॉइक में क्या है, पैरासिटिक बता दिया, होलोजॉइक में क्या है, आपने कुछ खाया, इंजेस्ट किया, इंजेस्टन, फिर डाइजेस्टन, जो उसको डाइजेस्ट करोगे, जो डाइजेस्ट किया उसको एब्जॉर्ब करोगे, जो एब्जॉर्ब किया ठीक है उसके दो काम करोगे, या तो उसको इकट्ठा करोगे, एसिमिलेट करोगे, ठीक है ना, या उसे ब्रेक डाउन करोगे, या उसे कैटाबॉलिज्म करोगे, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। और जो डाइजेस्ट नहीं हुआ या एब्जॉर्ब नहीं हुआ, ठीक है, नॉट नॉट डाइजेस्टेड, नॉट एब्जॉर्ब, उसका क्या करोगे, इंजेस्टन, इसे बॉडी से बाहर निकाल दोगे। ये है होलोजॉइक न्यूट्रिशन जो एनिमल्स फॉलो करते हैं, जॉइक का मतलब ही एनिमल है, एनिमल का कहता है न्यूट्रिशन, ये फॉर्म है, खाना इंजेस्ट करो, उसे डाइजेस्ट करो, डाइजेस्ट करके उसे एब्जॉर्ब करो, यानी ब्लड में लेके जाओ, जो ब्लड में गया है उसे इकट्ठा करके रखो, कल को काम आएगा, जैसे ग्लूकोज लिया जोड़ के ग्लाइकोजन बनाया, स्टोर कर लिया, फैट लाया स्टोर कर लिया, एसिमिलेशन, और कुछ ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर लो एनर्जी के लिए, दैट इज मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म या ब्रेक डाउन और एनर्जी, ठीक है। जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, मान लो अब तुमने साथ में कुछ खाना खा रहे थे, खाना खाते खाते तक टिश्यू पेपर भी खा लिया, अब टिश्यू पेपर तो डाइजेस्ट होगा नहीं, ठीक है ना, या पत्थर खा लिया वो तो डाइजेस्ट होगा नहीं, ठीक है ना। तो जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, या तुमने किसी चीज को डाइजेस्ट तो कर लिया लेकिन बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, ऐसी प्रॉब्लम है, प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हुआ, प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हुआ तो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, तो जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, ब्लड भी नहीं जा पाया, या जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया उसका क्या कर दोगे आप, या इजेस्टन, ठीक है ना, क्लियर। तो ये है हिसाब किताब, जैसे आपने मानो संतरे खा लिए और संतरे का बीज निकालना भूल गए, बीज आपका अंदर चला गया, या लेट से कोई भी नींबू का बीज चला गया इस तरीके का, तो जो बीज वगैरह होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होते, ठीक है ना। हाँ बादाम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन बाकी जो हार्ट होते हैं उस तरीके से वो डाइजेस्ट होते, तो वो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब, सबका क्या होता है, डाइजेस्टन हो जाता है। ये मैकेनिज्म है नॉर्मल नॉर्मल जो है होलोजॉइक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक में क्या है, पैरासिटिक में इंजेस्ट करते हैं लेकिन वो प्री डाइजेस्टेड होता है, तो ये वाला काम करना नहीं पड़ता, सीधा एब्जॉर्ब करो आगे बढ़ो, ठीक है। अच्छा, तीसरा कौन सा होता है, किसी को आइडिया? एक्चुअली बोलते हैं सैप्रोट्रॉफिक, लेकिन सैप्रोट्रॉफिक बोलते हैं, लेकिन मैं सैप्रोजॉइक के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मैं एनिमल बाय फार कर रहा हूँ, एनिमल में नाम सैप्रोफाइटिक भी बोलते हैं, एनिमल में सैप्रोजॉइक एनिमल, बड़ा सैप्रोजॉइक या सैप्रो सॉरी हाँ सैप्रोट्रॉफिक या सैप्रोजॉइक न्यूट्रिशन कौन करेगा एनिमल में?
और क्या होता है ये? सर इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा, मतलब बॉडी से बाहर ही केमिकल एक्स्ट्रा से सेलुलर कह फ्रीज सकते हैं, बॉडी के करके। बाहर है। एक्स्ट्रा सेलुलर को क्या है, कईयों में होता है, जैसे कि आपका डाइजेशन बेटा एक्स्ट्रा सेलुलर ही है, एलिमेंट्री के नाम हो रहा है, सेल के बाहर हो रहा है, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा सेलुलर नहीं बोलेंगे आप, बोलेंगे बॉडी के बाहर हो रहा है, ठीक है ना। जैसे अर्थों में जो सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर है, लीफ तो पहले ही पड़े पड़े सड़ रही है, सड़ रही है, गल रही है, तो ऑलरेडी डिग्रेड हो रही है। तो उस जो डिग्रेड हो रही है उसी को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। यहाँ जो आपकी मक्खी है, हाउस फ्लाई है, वो क्या करती है, हाउस फ्लाई खाने में बैठती है, उसपे बाहरी एंजाइम रिलीज करती है, एंजाइम से जो है फूड उसे बाहर ही बाहर डाइजेस्ट कर लेती है, फिर सीधा एब्जॉर्ब कर लेती है। तो बॉडी के बाहर डाइजेस्ट करके फिर सीधा एब्जॉर्ब कर, दैट इज सैप्रोजोई, या सड़ते हुए खाने को सीधा एब्जॉर्ब करना जो बाहर हो रहा, यानी सैप्रोटॉक्सिक। एग्जांपल में आ जाएगा आपका अर्थवर्म, ठीक है। और यहाँ पे एग्जांपल में बोल सकते हो लीच, और यहाँ पे आप कोई भी जो एग्जांपल देना चाहो होलोजोइक के अंदर आप दे सकते हो, कोई भी अपना एग्जांपल ले लो, या फिश का, या किसी एम्फीबिया किसी का एग्जांपल ले लो, ठीक है ना, वो आपके होलोजोइक में आ जाएगा। तो यार पॉइंट, कोई डाउट किसी को? सर फिर अर्थवर्म बाहर एंजाइम्स रिलीज करके करेगा न्यूट्रिशन? अर्थों को बाहर एंजाइम रिलीज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खाना जो बाहर पड़ा वो ऑलरेडी सड़ रहा है, ठीक है ना। तो क्योंकि वो सड़े हुए खाने को ही एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, या इंजेस्ट कर रहा है, वो ऑलरेडी प्री डाइजेस्टेड है, बाहर एनवायरनमेंट की वजह से, या बाहर के जो बैक्टीरिया या वो सब मटेरियल्स हैं बाहर, उसकी वजह से वो बाहर ऑलरेडी सड़ के वो डिग्रेड हो रहा है, उसको वो इंजेस्ट कर रहा है, इसलिए सैप्रोट्रॉफिक बोलते ओके सर। हैं, ठीक और सर है। हाउस एनीबडी फ्लाई एल्स? भी इसी के एग्जांपल में आएगी? हाँ, हाउस फ्लाई क्या, उसमें मान सकते हो हाउस फ्लाई अपने एंजाइम रिलीज करके डाइजेशन कर रही है, ठीक है ना, और अर्थवर्म में वही चीज बाहर बैक्टीरिया करके कर रहा है। तो काइंड ऑफ सिमिलर थिंग है, दोनों ही ऑलरेडी पार्शली डाइजेस्टेड फूड ही इंजेस्ट कर रहा है। और सर कौन से मतलब हाउस केमिकल फ्लाई के पास डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टर? नहीं होता? हाउस फ्लाई का डाइजेस्टर सिस्टम होता है, अर्थवर्म का डाइजेस्टर सिस्टम होता है, होता बस फिर होता है, लेकिन वो पार्शली बोला, कभी पार्शली बचा हुआ तो बच्चा कुछ डाइजेशन तो करोगे ही, ठीक है। अगर पूरा ओके ही, सर। अगर पूरा ही डाइजेस्टिव ले रहे होते हैं किसी पे डिपेंड होके, तो फिर पैरासिटिक हो जाते हैं। तो पार्शली डाइजेस्टेड यस फूड लेते हैं सर। और थोड़ी बहुत डाइजेशन करके अपना काम चला लेते हैं, वो हो जाता है आपका सैप्रोट्रॉफिक। बस सैप्रोट्रॉफिक इज काइंड ऑफ होलोजोइक ओनली, बस जो इंजेस्टेड मटेरियल है वो पार्शली डाइजेस्टेड है, ठीक है ना। और पैरासिटिक में इंजेस्टेड इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड एंड डिपेंडेंट ऑन होस्ट, ये डिफरेंस हो गया। गॉट इट? यस सर। चलिए, तो आई सपोज आपको एक समझ में आ गया, इसको मिटा देते हैं, आगे बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब ये बताओ, ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो आया है पहली बार, किसके पास आया डाइजेस्टिव सिस्टम? बेटा प्रॉपर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पहली बार एस्केलेमेंटस के पास आया है, जहां पे एक माउथ भी है और क्या है, एनस भी है। और आपको पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिस पे भी मैं एनिमल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, एक प्रोटोस्टोमिक और एक ड्यूट्रोस्टोमिक। फटाफट से मुझे डिफरेंस बता दो, फिर हम आगे बात करते हैं। मुझे बेटा आंसर नहीं आया उधर, प्रोटोस्टोमिक ड्यूट्रोस्टोमिक के बीच में डिफरेंस। सर जो प्रोटोस्टोम प्रोटोस्टोमिक ब्लास्ट पोर से माउथ बनता है, और जो ड्यूट्रोस्टोमिक होता है उनका ब्लास्ट पोर से एनस बनता है। वेरी गुड, ब्लास्टोपोर से माउथ वाले प्रोटोस्टोमिक और ब्लास्टोपोर से एनस वाले ड्यूट्रोस्टोमिक, ये पता है आपको? ओके, एंड ब्लास्टोपोर इज द ओपनिंग ऑफ ब्लास्टुला ब्लास्ट, ब्लास्टोपोर इज द ओपनिंग ऑफ, बड़े नालायक बच्चों, ब्लास्टोपोर किसकी ओपनिंग है? सर ब्लास्टुला सर हे भगवान, आर्के एंटरोन। आर के एंट्रॉन की ओपनिंग है।
पहली क्लास के अंदर तुमको पढ़ा दिया था सारी चीजें, लेकिन नहीं दिमाग कुछ रखना ही नहीं है। आर के एंट्रॉन प्रीवियस गट की ब्लास्टोपोर माउथ के एनस में बन रहा है, और माउथ और एनस किसकी ओपनिंग होती है? एलिमेंट्री कैनाल की। और प्रिमिटिव एलिमेंट्री कैनाल को क्या बोलते हैं? आर के एंट्रॉन। थोड़ा लॉजिकली याद रखो ना। चलो अब ये बताओ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, फटाफट से ऑर्गन से नाम बताओ। लिख रहा हूँ यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, फटाफट। सिस्टम है ना, ऑर्गन सिस्टम है। इसोफेगस, इसोफेगस ठीक है, और स्टमक, स्टमक। अच्छा एक बात बताओ, ये इसोफेगस से लेके ये एनस तक, ये इसोफेगस से थोड़ा मोटा हो गया, स्टमक हो गई, थोड़ा घूम गया स्मॉल इंटेस्टाइन, थोड़ा घूम गया लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब किसका पार्ट है? ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। तो मैं लिख रहा हूँ एलिमेंट्री कैनाल। इसमें क्या क्या आ जाएगा? इसमें आएगा माउथ, इसोफेगस ऑर्डर में बात करें, और स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड लार्ज इंटेस्टाइन। एंड फाइनली द ओपनिंग एनस। ऐसे ही होगा, पता है डायग्राम कई बार देखा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम का, बनाने की जरूरत तो नहीं डायग्राम, ठीक है। अभी मैं सबके डायग्राम इंडिविजुअली बनाऊंगा, तो अभी ओवरऑल बनाने की जरूरत नहीं। एलिमेंट्री कैनाल क्लियर है ना? क्या 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 आएगा एलिमेंट्री कैनाल में, और बताओ क्या आएगा? सर डाइजेस्टिव ग्लैंड माउथ के साथ जुड़ी हुई एक और चीज होगी बकल कैविटी, याद रखना। हाँ जी आगे बढ़ो, और क्या आएगा? और भी कुछ आएगा? खत्म हो गया सर डाइजेस्टिव। एक और स्ट्रक्चर आता है रेक्टम, वो इसी का पार्ट है वैसे तो। एक और आता है अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है पूरा हो गया, ठीक है। तो ये है अल्टीमेटली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के हिस्से, ठीक है ना, और ये आपके पूरे पूरे मेजर मेजर पार्ट है, सब मिलके काम कर रहे हैं ताकि आपके डाइजेशन प्रॉपर हो सके, इसीलिए हम आपके इस पूरे को डाइजेस्टिव सिस्टम बोल रहे हैं। अब ये शुरुआत माउथ या बकल कैविटी से होती है, तो हम भी ऐसे शुरुआत करेंगे, माउथ और बकल कैविटी की बात करेंगे, उसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, फंक्शन की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ कुछ बेसिक पॉइंट्स बता देना चाहता हूँ कि डाइजेशन में हम कर क्या रहे हैं, याद रखना, पे अटेंशन एवरीबॉडी। ओके आपको एक बात बताता हूँ, सुनना जरा ध्यान से, ये क्लियर है? बता दे इसको। यस सर, यस सर। तो मैं यही बता देता हूँ, डाइजेशन में हम प्रोटीन्स को ब्रेक करते हैं, और प्रोटीन्स को ब्रेक करते हैं अमाइनो एसिड्स में, ठीक है क्लियर। हम शुगर्स को ब्रेक करते हैं मोनोसैकेराइड में, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल स्टार्च को ब्रेक कर देंगे, स्टार्च में ब्रेक होगा भाई ग्लूकोज में, स्टार्च से बना हुआ है, ग्लूकोज से बना हुआ है ना, तो स्टार्च देखा जाएगा ग्लूकोज में, एग्जाम्पल स्टार्च एक शुगर है, यस, ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है, यस, ठीक है। एक यूनिट होती है मोनोसैकेराइड, दो यूनिट होती है तो डाइसैकेराइड, जैसे ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है, माल्टोस जब दो ग्लूकोज को साथ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, वो डाइसैकेराइड, खैर। और लिपिड्स,
लिपिड्स किसमें ब्रेक होंगे? लिपिड्स, फ्री फैटी एसिड्स, एंड ग्लिसरॉल में ब्रेक होंगे। फ्री फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में ब्रेक हो जाएंगे कौन? लिपिड्स। ठीक है, और क्या बचा बेटा? न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए आ रहे हैं, डीएनए, आरएनए। ठीक है, ये सब किसमें ब्रेक हो जाएंगे बेटा? न्यूक्लिक एसिड्स ब्रेक हो जाएंगे सिंपल सिंपल न्यूक्लियोटाइड्स में। यहां बोल सकते हो एक्चुअली सारी चीजें अलग अलग हो जाएंगे। एक न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? शुगर होती है, तो शुगर। ठीक है, प्लस नाइट्रोजनस बेस होता है, तो नाइट्रोजनस बेस भी अलग चाहिए, और फॉस्फोरस होता है, तो फॉस्फोरस भी अलग। तो ये है हमारा एम। आपने देखो आप खाने में क्या लेते हो, ठीक है, पे अटेंशन। खाने में लेट्स से मतलब आपको प्रोटीन्स को अमीनो एसिड ब्रेक करना है, शुगर को मोनोसैकेराइड्स में, स्टार्च को ग्लूकोज में, लिपिड्स को फ्री फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल में, यानी ये न्यूक्लिक एसिड्स को इसमें ब्रेक करना है। ठीक है, ये आपका डाइजेशन है। अब आप ये बात ध्यान समझ लेना, बहुत सिंपल है। ओके, अब मुझे बताओ कि लेट्स से सबसे ऊपर नाम किसका आ रहा है? कृष्णा तिवारी। कृष्णा तिवारी आवाज आ रही है? कृष्णा तुम्हें चलिए अब आवाज, चलो ये बताओ कृष्णा तुम्हें खाने में क्या पसंद है, तुम्हारी फेवरेट डिश क्या है? जल्दी लिखो फटाफट से, क्या पसंद तुम्हें खाने में? सर पनीर की कोई भी सब्जी पसंद है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो कृष्णा को पनीर की सब्जी पसंद है, तो आज हम खाने में जो है पनीर की बात करते हैं। ठीक है, आपको भी पसंद होगी आई सपोज। तो लेट्स से आपने खाना खाया है, और आपके खाने की प्लेट के अंदर जो ऑर्डर है वो क्या क्या है? एक तो पनीर है, ठीक है, ठीक है, पनीर है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, पनीर की सब्जी है तो ठीक है। अच्छा, पनीर की सब्जी आप अकेले रोके को तो खाओगे नहीं, बट आप ऐसी बात है साथ में कुछ यू विल ऑलवेज टेक सम लाइक चपाती और समथिंग, तो लेट्स से आपके साथ में चपाती भी ली है, ठीक है ना। अब चपाती ड्राई तो होगी नहीं, उसमें घी या तेल लगा होगा, सॉरी घी या बटर जो भी है लगा होगा, तो चपाती पे घी है, ठीक है, चपाती पे घी लगा रखा है, पनीर की सब्जी है, ठीक है। और खाना खाने के बाद बताओ वैसी बात है, पनीर हो गया, चपाती हो गई, घी हो गया, और लेट से पनीर की कोई भी सब्जी बोला ना इसने, तो लेट से अज्यूम कर लेते कि लेट से इसने खाया कोई पनीर के साथ कुछ भी बनाते हैं, मटर बना लेते हैं, मटर पनीर है ना, तो मटर है साथ में, ठीक है ना, पीस पीज है, पनीर है, पीज एंड पनीर है, पीज पनीर, पनीर एंड पीज की सब्जी हो गई, चपाती हो गई, घी हो गया, ठीक है। आपके लिए डेजर्ट के लिए हम रसगुल्ला भी ऐड कर, ठीक है, आई सपोज हम खाना जो है पूरा हो गया है ओवरऑल, ठीक है, और थोड़ा सैलेड भी ऐड किया, गुड, ओके, सैलेड ऐड कर। तो मान लीजिए आपने ये खाना खाया है नॉर्मल, ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझेगा, आपके खाने को अगर हम देखें ध्यान से, तो अब पे अटेंशन, पनीर जो है, ठीक है, या जो पीज है, पनीर की बात करते हैं, पनीर में काफी प्रोटीन रहेगा, ठीक है, प्रोटीन भी रहेगा, कार्बोहाइड्रेट्स रहेंगे, लेकिन इन फिलहाल हम प्रोटीन में काउंट कर लेते हैं, तो पनीर जो के अंदर क्या रहेगा, प्रोटीन्स रहेंगे, लेकिन आप देखिए पनीर के प्रोटीन्स नजर थोड़ा ना आ रहे आपको, और मैं पॉइंट पनीर के जो प्रोटीन्स है वो तो अभी बड़े कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है ना, तो आपको उसको पहले मैकेनिकली, पहले आप पनीर को ना अच्छे से तोड़ोगे, जो काम करेगा आपके दांत, आपके टीथ, उसे अच्छे से ग्राइंड करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे, अब फिर उसके ऊपर एंजाइम काम करेंगे,
आपके पेट का एसिड काम करेगा, उसमें से सब चीजों को और थोड़ा 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 छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ेगा, फिर एंजाइम्स काम करेंगे, फिर जाके आपके प्रोटीन्स नजर आएंगे और फिर उन पर एंजाइम्स काम करके उसे अमीनो एसिड में ब्रेक करेंगे। तो आसान नहीं है ये, पनीर पनीर के अंदर प्रोटीन छुपे हुए हैं, उनको निकाल निकाल के ले लेके उसको तोड़ तोड़ के उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना, ये डाइजेशन है। इसमें मैकेनिकल फंक्शन भी लगेगा, जैसे कि आपका दांत का काम है ना, मैकेनिकल भी काम लगेगा और केमिकल काम भी लगेगा। मैकेनिकल तो दांत काम कर रहे, चबाना वाना है ना, और केमिकल काम क्या रहेगा, केमिकल काम रहेगा कि ये कहते हैं इसको केमिकल वाला जो एंजाइम वगैरह डाइजेशन कर रहा है, ठीक है ना। इसलिए जब आपको, जब आप बीमार होते हो तो डॉक्टर आपको क्या कहता है कि इजी इजी खाना, मतलब आपको जूस बोलेगा पीने के लिए। अब जूस ना सबसे बढ़िया चीज है, क्यों, जूस में हमें कोई मैकेनिकल डाइजेशन नहीं करना, सीधा पीना, सीधा उसे एब्जॉर्ब हो जाना, मतलब उसमें उसको ना ऑलरेडी मैकेनिकली डाइजेस्ट कर दिया आपने ग्राइंडर के अंदर, या जो भी जूसर है उसके अंदर आपने ऑलरेडी उसको मैकेनिकली डाइजेस्ट कर लिया है, ठीक है ना, ऑलरेडी उसका जूस ही निकाल दिया है, ठीक है ना, तो सीधा आपने पीना है और सीधा आपके एब्जॉर्ब हो जाना है, ठीक है। तो इसलिए जूसेस आर रिकमेंडेड ड्यूरिंग आप बीमार वगैरह होते हो, ठीक है। लेकिन पनीर वगैरह जो चीजें हैं इनको आपको पहले मैकेनिकली भी डाइजेस्ट करना पड़ेगा, केमिकल डाइजेशन से पहले। ऐसा नहीं कि जूस का डाइजेशन नहीं होगा, जूस में डाइजेस्ट होगा, जूस की जो नॉर्मल शुगर से होता है एब्जॉर्ब हो जाएगी, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स शुगर है उन्हें ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे मोनोसैकेराइड में लाना पड़ेगा। जैसे जैसे जूस होगा, लेट से रसगुल्ले की बात करता हूँ, ठीक है ना, रसगुल्ले में क्या होगी, चाशनी होगी, चाशनी होगी, नहीं होगी, चाशनी में बेसिकली क्या होगी, चीनी होगी, चीनी क्या होती है, सुक्रोस, चीनी क्या होती है, सुक्रोस, और सुक्रोस किससे मिलके बनी होती है, दो शुगर से मिलके बनती है, आपको पता है बात, कि एक होती है फ्रक्टोस और एक होती है ग्लूकोस, ठीक है ना, ग्लूकोस और फ्रक्टोस होगी, और ग्लूकोस और फ्रक्टोस मिला के क्या है, एक साथ डाइसैकेराइड, दो सैकेराइड है इसमें, दो शुगर है, विभिन्न डाइसैकेराइड है, ठीक है। तो आपने इसको डाइजेस्ट करना है और इसका क्या क्या अलग कर देना है, इसका ग्लूकोज अलग कर देना है और आपने इसका सुक्रोज अलग, सॉरी फ्रक्टोज अलग कर देना है, ठीक है। ये है डाइजेशन आपके सुक्रोज का, अरे बस समझ में, तो वो शुगर के डाइजेशन हो गई, तो रसगुल्ले और बाकी जो चीजें होंगी वो सब भी डाइजेस्ट होगा। अच्छा चपाती, क्या चपाती में क्या चीज है, चपाती किससे बनी हुई भाई, वीट, मतलब तुमने आटे की चपाती खाई तो क्या होगा उसके अंदर, आटे के अंदर क्या होता है, शुगर, कार्बोहाइड्रेट, कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, जब प्लांट बनाएंगे प्लांट कौन सा कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, अरे कार्बोहाइड्रेट मिली स्टार्च है, चपाती क्या है, स्टार्च है, ठीक है ना, तो स्टार्च है, ठीक है, वो ब्रेकडाउन किसमें होगा, ग्लूकोज में। तो चपाती के अंदर प्रोटीन भी है थोड़ा, ऐसी बात नहीं, तो प्रोटीन में थोड़ा आयंस हैं, थोड़े विटामिन्स भी हैं, तो मेनली जो स्टोरेज फॉर्म में क्या है, स्टार्च है, स्टार्च ब्रेकडाउन किसमें होगा, ग्लूकोज में, कहीं मोनोसैकेराइड में, तो चपाती डाइजेस्ट होगी, है ना। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मैकेनिकली फिर केमिकली, अरे बात समझ में। अच्छा घी, घी कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, घी क्या है, घी इज अ ट्राइसल्सराइड, घी में क्या है, एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, किसका मॉलिक्यूल है, एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, और ग्लिसरॉल के साथ क्या जुड़े हुए हैं, तीन फैटी एसिड्स, फैटी एसिड R1, फैटी एसिड R2, एलेक्सी फैटी एसिड R3, तो तीन फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, इसको क्या बुलाते हैं हम, ट्राइसाइ ग्लिसराइड्स, क्या बोलते हैं, ट्राइसाइल ग्लिसराइड, तीन फैटी एसिड चेन, ये फैटी एसिड चेन है, ये आपको पढ़ा था मैंने बारे में, एक बार की आइडिया देखा, तीन फैटी एसिड चेन हुई और क्या होगा, ग्लिसरॉल, ये है आपका क्या, घी, और ये घी को ब्रेक करेंगे कैसे, ये लिपिड्स, ये लिपिड है, ब्रेक किया किसमें, फ्री फैटी एसिड अलग कर दिए, ये तोड़ दिया, ये अलग, ये तोड़ दिया, ये अलग, ये तीनों अलग कर दिए और ग्लिसरॉल अलग अलग कर दिया, तो फ्री फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, या तो किसका डाइजेशन हो गया, घी का डाइजेशन हो गया, ठीक है, रसगुल्ला भी डाइजेस्ट हो गया, पनीर भी हो गया, चपाती भी हो गई, पीस भी आपका क्या है। अच्छा पीस के बारे में बात करते हैं, जो पीस होंगी मटर होंगे, मटर एक प्लांट का कॉम्पोनेंट है, उसमें सेल्स भी होंगे, अच्छा इस सब में सेल्स कहीं ना कहीं होंगे, अगर आपने मटर खाया तो उसमें भी सेल होंगे, चपाती में वीट है तो भी सेल तो ब्रेक हुए ही होंगे, और जब भी सेल ब्रेक होंगे तो अफकोर्स सी बात है न्यूक्लिक एसिड होंगे उसके अंदर, क्या होंगे, डीएनए होगा, आरएनए होगा, तो डीएनए आरएनए का ब्रेकडाउन कैसे होगा, न्यूक्लिक एसिड का ब्रेकडाउन होगा बिटवीन शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फोरस। तो जब भी आप मटर खाओगे,
यहाँ आप चपाती भी अगर खाते हो तो उन सब में भी क्या रहेंगे, सेल्स रहेंगे, क्योंकि वीट से, वीट तो सेल ही हुआ ना एक तरीके का, है ना, पीस भी एक तरीके का सेल हुआ, तो ब्रेक करेगा तो भाई न्यूट्रिशन मिलेगा। अच्छा बचा क्या, सैलड। अब सैलड की क्या खास बात है, देखो सैलड में क्या खाते हैं, सैलड में खाते हैं लेट्स से आज गाजर खाते हैं, ठीक है, टमाटर खाते हैं, एंड गाजर खाते हैं, टमाटर खाते हैं, खीरा खाते हैं और मूली खाते हैं, ये सब खाते हैं। अब सैलड की खास बात क्या है, सैलड इज वेरी रिच इन सेलुलोज, ठीक है, और सेलुलोज हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ह्यूमंस कैनॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, गाय कर सकती है, बकरी कर सकती है, कॉकरोच कर सकता है, ह्यूमंस में सेलुलोज डाइजेस्ट करने की उतनी कैपेबिलिटी नहीं है। तो ये गाजर मूली के जो आउटर कंटेंट है, सेल वॉल वाला कंटेंट है, वो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो फाइबरस कंटेंट डाइजेस्ट नहीं होगा। हाँ अंदर के जो आयंस है वो एचसीएल की वजह से बाहर आ जाएंगे, आयंस वगैरह जो उसके अंदर है, मिनरल्स हैं, आयंस हैं, वाइटामिन हैं, कुछ अगर आयंस वगैरह हैं तो वो सब बाहर आ जाएंगे, लेकिन क्योंकि इनका मेजर पार्ट क्या है, सेलुलोज है, हेमिसेलुलोज है, लिग्निन है, ये सब ही है, तो ये सब फाइबरस कंटेंट डाइजेस्ट नहीं होगा। हाँ आयंस वगैरह हम ले लेंगे, लेकिन आप गाजर खाओगे तो गाजर के जो जूसेस हैं, जो अंदर आयंस हैं, मिनरल्स है, वो आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो बाहर का फाइबरस कंटेंट है वो नहीं होगा। लेकिन ये फाइबरस कंटेंट आपके लिए बहुत जरूरी है, क्यों, ये जो फाइबरस कंटेंट होता है ना, ये जो आपका खाना है उसके ना बॉल जो मूवमेंट है, जो मूवमेंट है बॉडी के अंदर, ठीक है ना, जो अल्टीमेटली बाहर खाने को निकालने के लिए या आपके वेस्ट मेटल को बाहर निकालने के लिए जो मूवमेंट जरूरी है, उन सभी मूवमेंट्स को फैसिलिटेट करता है। मतलब अगर आप सैलेड खाते हैं काफी सारा, तो उससे क्या होता है, आपका जो पैसेज ऑफ फूड है वो इजी हो जाता है। मतलब जिन लोगों को जैसे कॉन्स्टिपेशन होता है ना, कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, फूड का मूवमेंट स्लो जाता है, फूड जो है वो स्लोली मूव करेगा और प्रॉपरली बॉल मूवमेंट्स नहीं होंगे, है ना, इजेस्टन प्रॉपर नहीं होगा। तो सैलड क्या करता है, सैलड एक्चुअली इजेस्टन में हेल्प करता है, तो जिनको इजेस्टन की प्रॉब्लम रहती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, उनको रिकमेंड किया जाता है कि आप बहुत सारा सैलड खाने के साथ, और हर एक को रिकमेंड किया जाता है कि सैलड खाना इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट कंटेन्स लॉट्स ऑफ आयंस मिनरल्स एंड ऑफ कोर्स इट हैज सो मच फाइबर्स कंटेंट व्हिच हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द फूड, फूड द मूवमेंट ऑफ द फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल उसको फैसिलिटेट करता है, ठीक है, तो दैट इज एन इंपॉर्टेंस ऑफ सैलड। और सैलड क्या है, वैसे ऐसे डाइजेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि सेलुलोज वगैरह जो है, जो उसका है वो डाइजेस्ट नहीं होता है, वो ऐसा क्या वैसे फाइबरस फॉर्म में पास ऑन हो जाएगा। सो दैट आ रही बात समझ में, तो ये हो गया आपका डाइजेशन। तो आपने क्या देखा कि आप कोई भी खाना खाओ, आप पनीर की सब्जी खाओ, आप बैंगन की सब्जी खाओ, आप वेज खाओ, कुछ नॉन वेज खाओ, आप जो मर्जी खाओ, आपके फूड में चार ही कंटेंट रह रहे हैं, प्रोटीन्स, शुगर्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, और आपने उन सबको मोनो मोनोमर्स को ब्रेक कर लेना, तो ये सब इंडिविजुअल यूनिट्स, अमीनो एसिड इज अ मोनोमर्स इन इंडिविजुअल यूनिट, मोनोसैकेराइड्स इन इंडिविजुअल यूनिट, फ्री फैटी एसिड इज अ इंडिविजुअल एक यूनिट है, ग्लिसरॉल एक यूनिट है, शुगर एक यूनिट है, फैटी एसिड एक यूनिट है, फास्फोरस एक यूनिट है, तो आपको उसे एक मोनोमर की फॉर्म में या इंडिविजुअल यूनिट्स की फॉर्म में ब्रेक कर लेना है, क्योंकि आपकी जो बॉडी है उसको इसी फॉर्म में एब्जॉर्ब करती है, और इस फॉर्म में इसलिए एब्जॉर्ब करती है क्योंकि इसी फॉर्म में वो बॉडी में इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आपने ये पढ़ा है ना क्लास 10th के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन का एक वो पढ़ा है ना आपने रिएक्शन, क्या पढ़ा है एरोबिक रेस्पिरेशन का रिएक्शन, मुझे एरोबिक रेस्पिरेशन का रिएक्शन बताया जरा। सर C6H12O6 प्लस ओके ओ टू शांत शांत शांत, मैं थोड़ा सा मिटा दूं, तुम जो बोल रहे हो लिख रहा हूँ, है ना, क्या बोल रहे तुम, C6H12O6, हाँ क्या किया इसका, प्लस ऑक्सीडेशन प्लस ओ टू फिर CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी ठीक है, एटीएम लिख लो ना एनर्जी को, यस सर ओके बेटा यही है ना, आपने यही पढ़ा है ना, ठीक है। अब देखो ध्यान समझो क्या पढ़ा है, ग्लूकोज को, अच्छा इसको मैं ये लिख दूं, ग्लाइकोलाइसिस प्लस सिट्रिक एसिड, क्या कुछ गलत ही तो नहीं भाई, नो सर दो स्टेप में ब्रेक कर सकते हैं ना इसको, ये ग्लूकोज है,
ये CO2 वाटर एनिमी में ब्रेक हुआ है, इसको मगर पूरा लिखो ना आपके आप, अगर मैं इसको मैं स्टेप स्टेप में ब्रेक कर दूं, या आपने भी पढ़ा होगा कि ग्लूकोज देन पाइड्रिक एसिड, ये पढ़ा ना, याद है? यस सर, एंड पाइड्रिक एसिड, ये ऐसा कुछ, और ये है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है बेटा, और ये है सिट्रिक एसिड साइकिल, यही है, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स ऑक्सीजन काम करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, ओके। तो बेटा ग्लाइकोलाइसिस जो आपकी बॉडी एक प्रोसेस करती है, ठीक है ना, ग्लाइकोलाइसिस के लिए आपको चाहिए क्या? ग्लूकोज चाहिए ना, ठीक है, क्या चाहिए? ग्लूकोज या फ्रक्टोज कैन फॉर्म एंड ऐड हियर, या गैलेक्टोज एक शुगर होती है दैट कैन ऐड हियर, वो सब भी ग्लूकोज बन के आगे काम कर सकते हैं, लेकिन चाहिए आपको क्या? मोनोमर। अरे बात समझ में, इसीलिए आप मोनोमर को ही एब्जॉर्ब करा रहे हो। अगर मैंने लेट से सुक्रोज को ही एब्जॉर्ब करा लिया होता तो मैं सुक्रोलाइसिस जानता हूं क्या? मेरी बॉडी सुक्रोलाइसिस करके एनर्जी लेती है क्या? मेरी बॉडी तो सुक्रोलाइसिस करके एनर्जी नहीं लेती, तो सुक्रोज मेरे किसी काम का नहीं है। मेरी बॉडी तो ग्लाइकोलाइसिस जानती है ना, ग्लूकोज को ब्रेक करना जानती है ना, तो ग्लूकोज मेरे काम का है, या फ्रक्टोज को मैं ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकता हूं तो फ्रक्टोज भी मेरे काम का है, ठीक है, आ रही बात समझ में? मेरी बॉडी स्टार्चोलाइसिस तो नहीं जानती ना, नहीं, वो क्या जानती है? ग्लाइकोलाइसिस, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो मुझे क्या फूड किसमें चाहिए? ग्लूकोज के फॉर्म में चाहिए। ऐसी मेरी बॉडी ना अमीनो एसिड को ब्रेक करके एनर्जी ले सकती है, फैटी एसिड्स को ब्रेक करके एनर्जी ले सकती है, इस शुगर को ग्लूकोज बना के एनर्जी ले सकती है, इसलिए जो आपकी एब्जॉर्बेबल फॉर्म में वो मोनोमर्स है। हाँ, अगर मैं सुक्रोलाइसिस जानता होता, यहाँ पे सुक्रोज से पाइरिक एसिड मिल रहा होता और एनर्जी मिल रही होती, तो मैं यहाँ पे सुक्रोज ले लेता हूँ, मैं सुक्रोज एब्जॉर्ब कर लेता, मेरे को कोई फायदा नहीं है ना, मैं तो ग्लाइकोलाइसिस जानता हूँ, गॉट द पॉइंट? तो और ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ना बेटा, ये कॉमन है, इतनी कॉमन है ना, ये प्रोकैरियोट से आ रही, ये सब चीजें ना हमारी बॉडी में चलती है, ये साइटोप्लाज्म होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है ना, प्रोकैरियोट्स के पास साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, लेकिन ये सारे एंजाइम्स होते हैं जो इन दोनों के, ठीक है, बिखरे होते हैं ऐसे, है ना, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो सब में होगी, ये कंजर्व्ड है, दिस कंजर्व्ड इन एवोल्यूशन, ये सेल के अंदर कंजर्व रहा है, ठीक है ना, क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंस है। अच्छा, अब आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये तुम्हारा डाइजेशन है, ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन आ रही है ना, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन आ रही है, ये तुम्हारा रेस्पिरेशन है। अब देखो, एक तरफ से तुम खाना लाते हो, वह दो ही पाइप है, एक ट्रकिया आगे की तरफ सांस वाली रास्ता जो लंग्स में जा रही है, और एक खाने वाला रास्ता जो पेट में जा रहा है, ठीक है, और सांस निकल के ब्लड में आ रही है, भाई एयर भी तो लंग्स से कहाँ आ रही है? ब्लड में आ रही है, खाना भी कहाँ आ रहा है? ब्लड में आ रहा है, दोनों मिलके कहाँ जा रहे हैं? लिवर में जा रहे हैं, और दोनों का आपस में मिलन हो रहा है, इधर से आपका रेस्पिरेशन, इधर से आपका फूड, फूड के ऊपर ही ऑक्सीजन को हमने काम करवाया, और अल्टीमेटली हमने क्या मिला? हमें एनर्जी, और ये एनर्जी तो चाहिए मेरे को मेटाबॉलिज्म के लिए। भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है जो मेटाबॉलिज्म कर सकता है, जिसके अंदर एनर्जी जो अपने आप में आत्मनिर्भर, अपने आप में एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हो, जो अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस करे, अपना काम करे, है ना, हाथ पैर चलाने हैं, सांस लेनी है, बाकी काम भी करने हैं, तो ये एनर्जी है, ठीक है ना, तो चलता जाएगा, ये साइकिल है, फिर इस एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे किस लिए? डाइजेशन के लिए एनर्जी चाहिए ना, तो यही एनर्जी ये जो बनाई, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये जो एनर्जी बनाई इसको काम की काम में लगाए, फिर से यही काम करेंगे, साइकिल चल रहा है, ऐसे आप जिंदा रहोगे। जब एक चीज ब्रेक कर जाएगी, या तो आपकी सांस आना बंद हो गई तो आप मर गए, क्योंकि ये साइकिल आगे नहीं चलेगी, ठीक है, एनर्जी आना बंद हो गई माइटोकॉन्ड्रिया में, मान लो कोई दिक्कत हो गई तो आप मर जाओगे, तो काम नहीं करोगे, फूड आना बंद हो गया तो खाना नहीं मिला तो मर जाओगे, तो ये साइकिल चलते रहनी चाहिए, खाना आ रहा है आप उसे तोड़ रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, एनर्जी ले रहे हो, एनर्जी को यूटिलाइज करो और खाना गैदर करने के लिए, चबाने बनाने के लिए, और फिर गैदर करके यूज करने के लिए एनर्जी के लिए, फिर वो एनर्जी आगे इन्हीं इन्हीं काम के लिए चाहिए होगी, तो ये साइकिल ऑफ आपकी बॉडी चलती रहती है। तो आपके आपके जिंदा रहने के लिए जो दो दो तो चीजें जरूरी है, मैं क्यों बोलता हूँ आपके जिंदा रहने के लिए दो चीजें जरूरी है, क्या? एक सांस लेना, सांस चलती रहनी चाहिए,
और सांस ले क्यों रहे हो, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कर क्या रही है, क्या काम ऑक्सीजन का? सोचा कभी ऑक्सीजन का काम क्या है? एक ही काम है ऑक्सीजन का, फूड को ब्रेक करना एनर्जी के लिए, यही काम है ऑक्सीजन का, फूड को से फूड में से एनर्जी डिराइव करना, ठीक है? क्योंकि हम एरोबिक रेस्पिरेशन जाते हैं, हम एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करते, बहुत कम करते हैं, मसल्स करके जब बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है ना? बाकी हमारी बॉडी में जो नॉर्मल एनर्जी है मसल को छोड़ देते हैं एक्सट्रीम कंडीशन में, बाकी हमारी बॉडी के अंदर सारी एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन से आती है, इसलिए मुझे ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए मुझे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो फिर मुझे दिक्कत हो जाएगी। हाँ, सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे नहीं है, कई आपके बैक्टीरिया आपने पढ़ा होगा कि वो स्ट्रिक्टली एनारोबिक होते हैं, वो ऑक्सीजन से मर जाते हैं, है ना? तो वो ऑक्सीजन में मर जाते हैं, वो ऑक्सीजन होगी ज्यादा तो दिक्कत आती है उनको, उनको स्ट्रिक्टली एनारोबिक कंडीशन चाहिए, ठीक है ना? तो वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म का, ऑर्गेनिज्म पे। ये आपकी सारी कहानी का सार है कि आपको जिंदा रहने के लिए दो ही चीजें चाहिए, एक ऑक्सीजन आती रहे और दूसरा आपका खाना डाइजेस्ट होता रहे, क्लियर है पॉइंट? और सुनना बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, और सुन ध्यान से, ये दोनों चीजें आपस में मिल जाए, मिला कौन रहा है इनको? ब्लड। तो ये दोनों चीजें आपस में मिल जाए लिवर के अंदर या काम करें या जहां करें, तो आपस में मिल जाए उसके लिए ब्लड जरूरी है, सर्कुलेटिंग फ्लूड जरूरी है, क्योंकि एनर्जी आपको पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है ना? और ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली होता रहे, ठीक है, ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन आपका प्रॉपरली होता रहे उसके लिए आपके लिए मसल्स जरूरी है, मूवमेंट जरूरी है चीजों का, तो कहीं कॉन्ट्रैक्शन का रिलैक्सेशन जरूरी है तो आपका मस्कुलर सिस्टम आ जाता है, ठीक है ना? अब फूड गैदर भी करोगे तो बोन्स का मूवमेंट, बोन्स भी आ जाती है आपको स्ट्रक्चर देने के लिए, ठीक है? अच्छा, फिर ये सारा चीजें जो है ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में होनी चाहिए, तो आपका नर्वस सिस्टम आ जाता है, एंडोक्राइन सिस्टम आ जाता है कंट्रोल करने के लिए कि कब कौन सा वाला खाना कहाँ आएगा, कैसे एनर्जी मिलेगी, कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, तो कंट्रोल पूरा आ जाता है वो आपका एंडोक्राइन और आपका आपका नर्वस सिस्टम हो जाता है। फिर ये सब चीजें मिलने के बाद कुछ बायो प्रोडक्ट्स बनेंगे जो बॉडी से बाहर भी निकालना है, जो टॉक्सिक मटेरियल है या मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स है, उसके लिए आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है? अच्छा, अब आप अकेले हो, आप मर गए, सारे मर गए, तो ह्यूमन स्पीसीज खत्म हो जाएगी, लेकिन ह्यूमन स्पीसीज को तो आगे बढ़ना है, रहना है दुनिया में, तो ह्यूमन स्पीसीज को या किसी भी स्पीसीज को कंटिन्यूटी रखने के लिए अपनी प्रोजेनी लानी पड़ती है, उसके लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। तो ये सारी चीजें ना अल्टीमेटली आपस जुड़ी हुई है, एक रिप्रोडक्शन को हटा दो, ठीक है ना, एक इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए, एक इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए ये दोनों जरूर चीजें जरूरी है, ऑक्सीजन आना और फूड होना, और सिंपल से सिंपल ऑर्गेनिज्म ये दो काम कर रहा है। आप बैक्टीरिया ले लो, वो भी फूड ले रहा है अलग तरीके से, ठीक है ना? अर्थम ले लो, फूड ले रहा है अलग तरीके से, ऑक्सीजन ले रहा है अलग तरीके से, तो ये दो काम हर ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं, हर ऑर्गेनिज्म, एवरी ऑर्गेनिज्म इज डूइंग दिस टू इंपॉर्टेंट वर्क, ठीक है? और बाकी चीजें तो इनको हेल्प करने के लिए, एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन कंट्रोल कंट्रोल, तो बेसिकली इनको कंट्रोल करने के, तो मेन काम आपके दो ही जिंदगी में एक सांस लेना और खाना खाना इंडिविजुअल का बने रहना, और अपनी सीपीसीज के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन, ठीक है? तो दैट इज द मेन फंक्शन व्हिच अ बॉडी परफॉर्म्स। चलिए, आई सपोज ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं फिजियोलॉजी में, क्यों पढ़ने जा रहे हैं फिजियोलॉजी में। एनी डाउट्स रिगार्डिंग फिजियोलॉजी जो मैंने अभी आपको सारी चीजें बताई, सबका रिलेशन आपस में, क्या चीज क्या चीज क्या क्यों हो रही है, क्या हो रहा है, ठीक है? हाँ जी सर, आपने कहा था जो बैक्टीरिया होते हैं जो एनएरोबिक होते हैं, फिर वो हमारी बॉडी में तो रह नहीं सकते, हमारी बॉडी में सर, हमारी बॉडी में फिर वो सर्वाइव नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते भाई? सर क्योंकि हमारी बॉडी में फिर ऑक्सीजन है, फिर वो मर जाएंगे ना ऑक्सीजन से। तेरी बॉडी में ऑक्सीजन कहाँ पे है? सब ब्लड में। और बैक्टीरिया कहाँ पे है? सर बैक्टीरिया भी नहीं है, बैक्टीरिया इधर साइन वगैरह में है, शेड में बैठे हुए हैं, और मैंने ये बोला कि कुछ बैक्टीरिया, नॉट ऑल बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया आर ऑब्लिगेटरी एनारोब्स, ठीक है ना? मतलब दे आर स्ट्रिक्टली एनारोब्स, ठीक है ना? जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मर जाते हैं। मेरे को एक एग्जांपल भी याद आ रहा था, पी से नाम था, भूल रहा हूँ मैं फिलहाल, ये आपके बॉटनी वाले सर को बताओ सर, मीथेनोजन है। हाँ, मतलब बहुत सारे हैं, ठीक है ना? तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मर जाते हैं, बिकॉज दे आर स्ट्रिक्टली एनारोब्स, गॉट इट? मैंने सारे बैक्टीरिया नहीं बोले यस सर, बेटा सारे बैक्टीरिया नहीं है, ई कोलाई है वो नहीं है, वो आपकी बॉडी में रहता है, वो पार्शली एनारोबिक है, मन करेगा तो एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कर लेता है, ठीक है? ऐसा नहीं है, ठीक है? सारे बैक्टीरिया नहीं बोले मैंने सारे बैक्टीरिया नहीं बोला ऑब्लिगेटरी एनारोब्स होते, मैंने कहा कुछ होते हैं, बैक्टीरिया की कैटेगरी होती है ना, पढ़ा होगा
सम बैक्टीरिया एरोबिक, सम आर एनारोबिक, सम आर फैकल्टेटिव एनारोबिक, सम आर ऑब्लिगेटरी एनारोबिक, सम आर फैकल्टेटिव फैकल्टेटिव एरोब्स, सम आर ऑब्लिगेटरी एरोब्स, ये पढ़ा है ना आपने? यस सर। बस फिर और बॉडी में ना आपको क्लियर बता रहा हूँ, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन दो ही जगह है घूमती हुई फ्रीली, बल्कि फ्रीली भी नहीं, ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से बाइंडेड है। चलो एक बार आपको ब्लड ऑक्सीजन मिला, दूसरी चीज जहां ऑक्सीजन आपकी बॉडी में मिलेगी वो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, और तीसरी जगह फ्री ऑक्सीजन है नहीं बॉडी में। गॉट इट? यस सर। चलिए तो ये हो गया आपके ओवरऑल फिजियोलॉजी के बारे में, ठीक है। और जो डाइजेशन की प्रॉपर बात है ना, मैं शुरू कर दूंगा बकल कैविटी से और उसके बाद नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे, ठीक है। आज मैंने आपको पूरा ओवरऑल व्यू दे दिया डाइजेशन का, और नेक्स्ट टाइम से हम डायग्राम बना के बकल कैविटी का उसके कॉम्पोनेंट्स की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे मुझे एक एक सिंपल सा सवाल है, मैं बकल कैविटी में से एक आइडिया दे रहा हूँ आपको कि ये बताओ बकल कैविटी से आप क्या समझते हो और उसमें क्या क्या आएगा, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ बकल कैविटी? बेटा बकल कैविटी समझते हैं लोग? कितने लोग बकल कैविटी नहीं समझते हैं? बेटा जिसको आप ये माउथ बोलते हो ना, मतलब जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बोलते हैं ना बेटा मुंह खोलो आ करो, तो वैसे आ करते हो तो टॉर्च मारता है आपके मुंह के अंदर, तो टॉर्च मार के जो हिस्सा देख रहा है ना ये पूरा, जहाँ दांत है टांग है, जिसको आप माउथ बोल रहे हो, एक्चुअल में मैंने मुंह में पानी भर लिया तो मुंह नहीं है वो कैविटी को हम बकल कैविटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो बकल कैविटी तो अपने मुंह के अंदर झांक के बताओ कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं मुंह के अंदर। सर टंग, टीथ। वेरी गुड, टंग। और क्या है सर? टीथ और सलाइवरी डक्ट। सलाइवरी डक्ट सर जो सलाइवरी डक्ट बकल कैविटी के अंदर है क्या? सर नहीं, वहाँ तो ओपन होती है ना। हाँ वहाँ ओपन होती है तो ओपनिंग बोलेंगे ना, ओपनिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, ओपनिंग ऑफ सलाइवरी डक्ट। और बताओ और क्या है? ज्यादा और कुछ नहीं है, एक आध और चीज है पैलेट। पैलेट क्या होता है बेटा? पैलेट बहुत सिंपल चीज है, ये आपकी नाक है, ये आपकी आंख है, ये ऐसे आपकी ये नाक वाले जो नेजल चैम्बर हो गया, ठीक है, यहां से नीचे आते हैं, ये आपका माउथ है, ठीक है, ये आपका माउथ हो गया लेट से, है ना। तो ये आपकी टांग हो गई लेट से, ये टांग हो गई, ये टांग हो गई, ये टांग हो गई, ये आपका ये आपका नेजल नेजल वाला पार्ट हो गया। तो ये जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये इसको हम पैलेट बोलते हैं। दिस इज पैलेट, मतलब जो आपके नेजल चैम्बर को आपके ओरल कैविटी से अलग कर रहा है, मतलब ये वाला हिस्सा, दैट इज अ पैलेट। तो पैलेट हो गया, ओपनिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, टीथ हो गई, यही कॉम्पोनेंट है आपके इसके बकल कैविटी। एक और चीज होती है टॉन्सिल्स, यहाँ पे कुछ लिम्फोइड टिश्यू रहता है उसको बोलते हैं हम टॉन्सिल्स। तो ये टॉन्सिल्स टॉन्सिल्स भी रहते हैं, हालांकि बकल कैविटी के थोड़ा सा बाहर ही है, प्रॉपरली नहीं है। तो आप मेनली क्या बोलते हैं? पैलेट, ओपनिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, टीथ और टंग। और ये सब की बात करेंगे हम डायग्राम बना के नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर सेल डिवीजन से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आप पूछो फटाफट से। सर स्क्रीन प्रेजेंट। सर टॉन्सिल चार होते हैं? चार टाइप के होते हैं बेटा, चार नहीं होते, चार टाइप के होते हैं। हाँ ओके सर। सर ये वाला 12th क्वेश्चन, फेज ऑफ सेल साइकिल व्हेन डीएनए पॉलीमरेज इज एक्टिव। बेटा डीएनए पॉलीमरेज ये आगे क्यों पूछ लेते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, तो बता दो कि आप कहाँ काम करेगा। डीएनए पॉलीमरेज इज एंजाइम व्हिच हेल्प्स रेप्लिकेट डीएनए। सर 13th, ये कहाँ के क्वेश्चन है? सर ये ए बी सर बायोलॉजी की बुक है, वो फिजिक्स की बुक तो लग भी नहीं रहे बेटा, कौन सी बुक है? सर ए जेड है, सर ए टू जेड बायोलॉजी फॉर नीट
इस बुक अच्छा ए टू जेड बायोलॉजी फॉर नीट, अच्छा चलो दिखाओ। वैसे मैं बाहर की किताबों को क्वेश्चन कराता नहीं हूँ, बताओ 13th वाला है ना? यस सर, थोड़ा जूम इन कर बेटा जब, हाँ बस बस। हैप्लॉइड कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्रोमोसोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, हैप्लॉइड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्रोमोसोम ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, क्रोमोसोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, बड़ा क्वेश्चन गड़बड़ है। इसका आंसर जीनोम होना चाहिए, इसका आंसर जीनोम होना चाहिए, ठीक है ना? लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है। आंसर जीनोम है इसका? यस सर, जीनोम ही है। हाँ मैं इसका भाषा समझ गया, एक्चुअली ये क्रोमोसोम नहीं होना चाहिए, क्रोमोसोम्स होना चाहिए, सारे जितने क्रोमोसोम है, मतलब कि जीनोम पता क्या होता है? जीनोम इज द सम टोटल ऑफ ऑल द जीन्स ऑफ द बॉडी, जितने डिफरेंट टाइप के जीन्स हैं हमारी बॉडी में, उन सबका जो सम टोटल है वो जीनोम है। अब जीन्स तो आपकी दो दो बार होती है, पेयर में होती है, क्योंकि है ना पेयर में होती है ना, तो आप पेयर वाला पार्ट तो दो बार तो काउंट करोगे नहीं, एक ही बार काउंट करोगे ना जीन को। जब आप टाइप ऑफ जीन्स की बात करोगे तो आप उसके काउंटर पार्ट को तो काउंट करोगे नहीं, तो इसलिए वो इससे बोला हुआ हैप्लॉइड कॉम्प्लीमेंट, इसलिए उसने डिप्लॉइड कॉम्प्लीमेंट नहीं बोला, हैप्लॉइड बोला कि एक एक उठा लो सब टाइप की जीन्स, तो सब मिला के क्या बन जाएगा, वो जीनोम होता है। और सही वालों, प्रोफेस इज मार्क्ड बाय, मार्क मतलब कि कहां से हम, कौन से उसके फीचर्स इंपॉर्टेंट है उसके अंदर, कि कहां वो शुरू हो रही, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नहीं बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना की शुरुआत होती है डिसइंटीग्रेशन की प्रोफेस में, प्रोफेस खत्म होते होते तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी गायब हो जाती है, ठीक है? तो ए नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से। फिर है डिसअपीयरेंस ऑफ ईआर जीबी न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियरल एनवलप, हाँ मतलब ये कह सकते हैं कि प्रोफेस कब शुरू हो रही, जब ये सब डिसअपीयरेंस होना शुरू हो गए, ईआर गॉल्गी बॉडी न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब डिसअपीयर हो रहे हैं, ये लॉजिकल लग रहा है सेकंड बी वाला। सी भी देख लेते हैं, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल, हाँ ये भी एक प्रॉपर लग रहा है, सी भी ठीक लग रहा है। और क्या ऑप्शन है बेटा इसमें? सर वो पता नहीं क्या था सर, ये एक पेज पे था इसलिए मैंने नहीं लिया। अच्छा बेटा मुझे एक बात बता दे कि इसमें जो बेटर है ना, बेटर जो बेटर है वो सी लग रहा है, क्योंकि डिसअपीयरेंस का मतलब लग रहा है कि पूरा ही हो गया है ना, तो मेरे ख्याल से प्रोफेज हम तब बोलते हैं जब क्रोमोसोम सॉरी क्रोमैटिन कंडेंस होके क्रोमोसोम बन रहा होता है, मतलब तो यही होता है बेसिकली प्रोफेज का, तो मेरे हिसाब से आंसर सी होना चाहिए। ओके सर, और भी कोई डाउट है बेटा? यस सर, सर 18th कौन सा वाला? 19th सर, 18th 18th बेटा 18th यही तो है जो अभी पूछ रहा था मुझसे। अच्छा एंड पूछ रहा है, एंड, हाँ एंड ऑफ प्रोफेस ए हो जाएगा बेटा सर, डिसअपीयरेंस ऑफ वो ईआर जीबी में सबका बेटा, डिसअपीयरेंस का मतलब शुरुआत हो रही है ना, है ना उस तरीके से, तो मेरे ख्याल से न्यूक्लियोलस जो है वो तो डिसअपीयर भी नहीं होता, मेरे ख्याल न्यूक्लियोलस रहता ही है, न्यूक्लियोलस तो डिसअपीयर भी नहीं होता पूरा, तो इसका आंसर बेटा ए होना चाहिए। ओके सर, सर 20 20 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीनेशियस कंपोनेंट्स, और दूसरी बात बताऊं, ये जो ईआर है ना और ये ईआर हो गया, ये सब हो गया, ये सब तो आपके G2 के अंदर या जब G2V2 के अंदर ही डिसअपीयर होना शुरू हो जाते हैं, पहले डिसअपीयर हो चुके होते हैं, ठीक है ना? तो ये नहीं कि ये प्रोफेस का वेट करेंगे वो होने के लिए, प्रोफेस के पहले ही, प्रोफेस में तो बस मेन यही होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिसअपीयर होती रहती है और क्रोमोसोम्स नजर आने लगते हैं क्रोमाटिन से, बाकी चीजें तो पहले डिसअपीयर हो चुकी हैं, ठीक है? यस G2 में नजर नहीं आएंगे। और क्या पूछ रहे हो? सर 20 20 विच टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीनेशियस कॉम्पोनेंट्स of the cell cytoplasm help in initiation of assembly of mitotic spindle, okay ये पूछ रहा है कि जो mitotic spindle है वो उसके जो बनना है शुरुआत वो कौन कर रहा है बेटा? microtubules, एक मिनट रुको, सेंट्रोमियर बेटा, सेंट्रोमियर करेगा, एक मिनट रुको बेटा, एक मिनट रुको, प्रोटीनेशियस कॉम्पोनेंट पूछ रहा है ना, प्रोटीनेशियस कॉम्पोनेंट्स जिसपे इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल होगा, काइनेटोकोर्स में
हाँ बेटा, काइनेटोकोर से आके जुड़ता है वो। इसका बेटा आंसर, बेटा एक सेकेंड, काइनेटोकोर से शुरुआत होके जाके जुड़ता है वो सेंट्रोसोम पे जाके, प्लस 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 बनते हैं वो वहां मेसेंट्रोमियर से जाके। तो डिस असेंबली काइनेटोकोर पे होती है, असेंबली वहां होती है। ओके बट इसका आंसर क्या दिया है? मेरे इसका आंसर मेरे ख्याल से सेंट्रोमियर होना चाहिए, बट वो तो प्रोटीनेशन मटेरियल नहीं है, फिर माइक्रोट्यूबुल होना चाहिए। आई डोंट नो क्या दिया इसका आंसर। सर आंसर तो भी पता नहीं है, बुक ऊपर है क्यों? बेटा मेरे ख्याल से प्रोटीनेशन कंपोनेंट की बात कर रहा है ना, प्रोटीनेशन कंपोनेंट बेटा सेंट्रोमियर। सर माइक्रोट्यूबुल हाँ वही, अच्छा, सेंट्रोमियर दिया है ना, मैं सेंट्रोसोम पढ़ रहा था, सॉरी, सेंट्रोसोम से ओरिजिनेट होता है, तो फिर ये उसके जो मटेरियल है माइक्रोट्यूबुल, वही तो माइक्रोट्यूबुल ही आंसर होगा लॉजिकली, क्योंकि माइक्रोट्यूबुल ही इकलौता है जो स्पिंडल बना रहा है, तो उस हिसाब से माइक्रोट्यूबुल है। लेकिन इसने क्वेश्चन में गड़बड़ पूछा है, इसने पूछा है कि इनिशिएशन की बात करिए, कौन सा इनिशिएट करने मत करेगा, तो एक्चुअली आंसर सेंट्रोसोम होना चाहिए जहां पे इनिशिएशन होता है। बाकी ठीक है, सेंट्रोसोम में बंद तो माइक्रोट्यूबुल्स ही रहे हैं जो आगे स्पिंडल बना देंगे, तो उससे आप उसने ए दिया, क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है इसमें। गॉट सर इट माइक्रो बॉडीज क्या होती हैं? बेटा। माइक्रो बॉडीज मतलब कि छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि एक सिंगल, जैसे मान लो कि जैसे लाइसोसोम एक तरह की माइक्रो बॉडी है। ओके सर, मतलब जो छोटी छोटी और हाँ, छोटे 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 स्मॉल स्मॉल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। ओके सर, सिर्फ 29 सिंसाइशियम इस बेटा, सिंसाइशियम तो पढ़ा है ना, सिंसाइशियम मतलब फ्यूज साइटोप्लाज्म होता है, मतलब कि इसमें कंपार्टमेंटाइजेशन नहीं होगा, तो ये तो आपके उसके हिसाब से है, आपके बॉटनी में होगा मेरे ख्याल से। फाइकोमाइसिटीज होना चाहिए मेरे ख्याल से। एक मिनट रुको, मैमेलियन आरबीसी में सिंसाइशियम नहीं होता, लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट का में सिंसाइशियम होता है मेरे ख्याल से, मतलब इसका आंसर मुझे आइडिया नहीं है, तो सी होना चाहिए मेरे ख्याल से, सर। सी लिक्विड एस एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। हाँ, तो ये बेटा बॉटनी वाले सर बताएंगे आपको एग्जैक्टली। एक्चुअली एक्चुअली जो एंडोस्पर्म होता है ना कोकोनट का, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि उसके अंदर ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स नहीं होती हैं, मतलब सर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कर रहा हूँ, सेल मेम्ब्रेन्स नहीं होती हैं, सारे न्यूक्लियस ऐसे पड़े रहते हैं, तो इसलिए सी होना होगा इसका। सिंसाइशन का बेसिकली बेटा क्या मतलब होता है कि कंपार्टमेंट्स नहीं है, मतलब कि सारे न्यूक्लियस एक साथ पड़े हुए, मल्टी न्यूक्लियस समझ लो एक तरीके से, ओके सर, या एसेप्टेट टाइप का। सर 74 और भी है बेटा, जो जूम कर, पोलवर मूवमेंट ऑफ डायड्स ऑकर ड्यूरिंग, बेटा डायड्स क्या, पहले ये बता। सर, डायोड्स वो जो सिंगल क्रोमोसोम होते हैं। हाँ, तो वो कौन से स्टेज में होंगे, पोलवर्ड मूवमेंट किस में होगी, पोल की तरफ। पहले सर एन ऑफ फेज 1 बता टेट्राड क्या हुआ, टेट्राड तो दो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम हुए, तो डायड मतलब एक क्रोमोसोम हुआ, तो पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ डायड्स मतलब पूरा पूरा एक क्रोमोसोम एक तरफ जा रहा है, पोल की तरफ जा रहा है, तो बेटा ये एनाफेज होगा तेरा एनाफेज 1 में। ओके सर, सर ये वाला विच इज यूनिक टू माइटोसिस एंड डज नॉट ऑकर इन मियोसिस। ये क्रोमोसोम तो, ये क्वेश्चन तो मैंने देखा हुआ है, ये कहाँ का क्वेश्चन है, इसी बुक का है। यस सर, उसी बुक का माइटोसिस में ऐसा क्या हो रहा है जो मियोसिस में ना, क्या हो रहा है भाई ऐसा बता। सर। बेटा सी, माइटोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम इंडिपेंडेंटली बिहेव करते हैं, ठीक है ना, सर और उसमें उसमें डिपेंडेंट हो जाते हैं कि तू एक में जा रहा है तो मैं दूसरे में जाऊंगा, तो एक दूसरे पर थोड़ा डिपेंडेंट होगा कि तू अगर उस सेल में गया तो मुझे फिर उस सेल में जाना है। लेकिन इसके अंदर हर क्रोमोसोम इंडिपेंडेंट है माइटोसिस में, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्यों, बाकी चीज तो मियोसिस में भी हो रही है, बाकी चीज तो मियोसिस की यूनिक है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम क्रॉस ओवर ये वो मियोसिस का यूनिक है, माइटोसिस में नहीं होता। होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर एंड फॉर्म बाइवेलेंट, ये मियोसिस में होता है, माइटोसिस में नहीं होता है, उल्टा है, ठीक है ना। आखिरी वाला क्रोमेटिड सेपरेट ड्यूरिंग एनाफेज, ये तो मियोसिस 2 में भी होता है, तो फिर ये मियोसिस 2 का भी हो गया, माइटोसिस का भी, दोनों को कॉमन हो गया, यूनिक तो हुआ नहीं, तो आंसर सर, सी हो जाएगा, ये यूनिक चीज है। सर वैसे जो डी ऑप्शन है उसमें एनाफेज 2 लिखा होना चाहिए था ना फिर तो। हाँ, नहीं लिखा तो तू दोनों मान के चलेगा ना। ओके सर।
सही वाला 59. मियोसिस इन्वॉल्व्स बेटा, मियोसिस में तेरे को क्या पता है कितने न्यूक्लियर डिवीजन होती है, कितने क्रोमोसोमल डिवीजन होती है, तू मुझे इतना बता दे. सर न्यूक्लियर डिवीजन बेटा न्यूक्लियस दो बार डिवाइड हो रहा है, दो कैरियोकाइनेसिस हो रहे हैं. दो डिवीजन का मतलब क्या है, कैरियोकाइनेसिस हो रहा है तो दो न्यूक्लियर डिवीजन, और क्रोमोसोम कितनी बार डिवाइड कर रहे हैं. सर क्रोमोसोम तो एक बार करता है. है ना, क्रोमोसोम्स तो मतलब अब ये भी लॉजिकल नहीं है ना. क्रोमोसोमल डिवीजन की बात करें तो क्रोमोसोम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, आधे आधे चले गए वो भी तो क्रोमोसोमल डिवीजन है, और हर क्रोमोसोम के दो टुकड़े कर दिए तो वो भी क्रोमोसोमल डिवीजन है. तो मेरे ख्याल से दो न्यूक्लियर डिवीजन और दो ही क्रोमोसोमल डिवीजन, क्या दिक्कत है, डी होना चाहिए इसका आंसर. सर दो न्यूक्लियर डिवीजन कब होते हैं? मियोसिस वन में और मियोसिस टू में दोनों में न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है ना, कैसी बातें कर रहा है तू, चार सेल नहीं बन रहे. यस सर, ओके सर, बस हो गए. एनीबॉडी एल्स एनी अदर डाउट होंगे तो आप मुझे सर व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरी क्रोमोसोमल अपनी क्लास डिवीजन, होगी. सर हाँ दो क्रोमोसोमल डिवीजन बताना एक बार. बेटा क्रोमोसोम डिवाइड करने का क्या मतलब समझती है तू, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रोमोसोमल डिवीजन. 46 क्रोमोसोम थे, 23 तूने रख लिए, 23 मैंने रख लिए, तो हाँ क्या हमने क्रोमोसोम्स डिवाइड किए, यस सर. और मैंने हर एक क्रोमोसोम के आधे आधे टुकड़े कर दिए, वो तो क्रोमोसोमल डिवाइड किए. है यस सर. ना, तो इसने लैंग्वेज क्लियरली बोली. अगर ये बोलता ना कि क्रोमोसोम्स का यू नो बटवारा या ऐसा कोई वर्ड टर्म यूज करता, कोई ऐसे की समझ में आता कि वो ऐसे बट रहे हैं, तो फिर मैं कहता कि एक ही बार हो रहा है ना, या दो बार हो रहा है, या ठीक है, या ये बोलता कि क्रोमोसोम का ही डिवीजन, ईच क्रोमोसोम का डिवीजन, उसका मतलब एक क्रोमेटिड तू ले ले, एक क्रोमेटिड मैं ले लेता हूँ, वो भी तो डिवीजन है. तो ये क्लियरली इसने मेंशन नहीं किया कि कौन सा क्रोमोसोमल डिवीजन, यस सर, ओके. ठीक है. वैसे एक एक में वैसे लॉजिकली अगर मैं बोलूं, जब ये पूछता है ना, जब क्रोमोसोमल डिवीजन का बात करेंगे ना, तो मोस्ट प्रोबेबली हमें जाना चाहिए, मैं उसका आंसर एक्चुअली वन क्रोमोसोमल डिवीजन बोलना चाहिए, क्योंकि क्रोमोसोमल डिवीजन हमें जाना चाहिए उसके लिए जो क्रोमेटिड सेपरेट हो रहे हैं, लॉजिकली हमें वही समझना चाहिए. लेकिन ये थोड़ा इलॉजिकल क्वेश्चन है, क्लियरली बोलना चाहिए वैसे मोस्ट अप्रोप्रिएट हमें उसके लिए जाना चाहिए, क्योंकि ये एक क्रोमोसोम का डिवीजन है, ये एक्चुअली क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आधे तो ले ले आधे तो ले ले. पर क्योंकि अगेन दो अलग अलग सेल में जा रहे तो सिर्फ डिवीजन बोल सकते हैं, कैरियोकाइनेसिस बोल ही रहे, तो इसलिए ये थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी है. लेकिन इसलिए इसमें लूप होल है, ये क्वेश्चन सही नहीं है. इसलिए मैं कहता हूँ ना कि आप बुक्स ले लेते हो तो बुक्स में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो फिर वो आपका पूरा कॉन्सेप्ट कई बार बिगाड़ देते हैं ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन पूछ पूछ के. इसलिए आई रिकमेंड ऐसे कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपके नीट में आपको प्रॉपर क्वेश्चन आएंगे, डोंट वरी. बस सर वन क्रोमोसोमल डिवीजन ही आंसर दे रखा था उसमें. क्या सर वन क्रोमोसोमल डिवीजन ही आंसर दे रखा था उसमें? हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना कि एक्चुअली क्रोमोसोमल डिवीजन की अगर बात करें ना, तो लॉजिकली इसी को लेना चाहिए, यही है क्रोमोसोमल डिवीजन, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है. लेकिन लेकिन पता है गलत नहीं है, अगर इसको मैं डिवीजन बोलूँ ना कि हमने डिवाइड ही किया ना, दो सेल में आते आते डिवाइड ही किया ना क्रोमोसोम्स, तो वो भी चलो ठीक है, तो इसको वैसे लॉजिकली ले लो, ठीक है. लेकिन ये गड़बड़ है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन नीट में आएंगे नहीं. कोई और डाउट? चलिए, मेरा कोई और डाउट नहीं है, तो विल सी इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू वेरी मच.